तो हाँ एवरीवन, एम आई ऑडिबल और नॉट? परफेक्ट है, मैं आपको क्लियरली दिख रहा हूँ, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही, इतना मुझे बता दीजिए। फिर विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट अपन सप्लाई का रिवीजन खत्म करते हैं। अगर अच्छे से ढंग से रिवीजन करा जाए तो 1.5 आवर्स अपने आप में इतना ही टाइम है कि आप बिना कोई सेकेंड वेस्ट किए आप इस रिवीजन को खत्म कर सकते हैं। कोशिश करेंगे 1 आवर 30 मिनट में, मतलब आपका 90 मिनट्स के अंदर, 90 से 100 मिनट्स के बीच में आपका सप्लाई खत्म करा देते हैं। परफेक्ट है जी, तो शुरू करते हैं। तो ये रिवीजन वीडियो का पहला सेशन है, और देख लीजिए हमारे जो रिवीजन वीडियोज हैं वो नए हैं, लाइव हैं, तो जितने भी फ्यूचर में रिकॉर्ड लोग देखेंगे ये मई 24 में ही रिकॉर्ड किए गए हैं, मई 24 अटेम्प्ट के लिए और नवम्बर 24 के लिए। और एक दो जैसे रिवीजन वीडियो रहेंगे, जैसे ITC का है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो मैं उन्हीं का थंबनेल चेंज कर दूंगा। बाकी सप्लाई में काफ़ी सर्कुलर्स ऐड हुए हैं, नई चीज़ें ऐड हुई हैं, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह का भी काफ़ी चीज़ नई आई हैं, तो उसका नया ही रिकॉर्ड किया है हमने, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं कहानी को विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट। तो पहला चैप्टर है आपका GST में, वो उसका भी इतना वेटेज रहा नहीं, अब इनडायरेक्टली रिविजन अपन सप्लाई से ही शुरू करते हैं। ठीक है, सप्लाई चैप्टर जो है वो क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ठीक है, तो बोलते ना कि पूजा करने से पहले तिलक लगाते हैं, तो वैसा ही सीन रहता है। इससे क्या होता है, यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली शेयर हो जाता है। चलिए, थैंक्स अ लॉट, शुरू करते हैं। केस क्या है, सप्लाई क्यों पढ़ रहे हैं हम GST के अंदर? सप्लाई तो सप्लाई ही बताएगा कि GST लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। GST लगेगा नहीं है वो चीज कौन बताएगा, सप्लाई बताएगा। जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई बताता है कब GST लगना चाहिए, टाइम ऑफ सप्लाई बताता है कि किस टाइम पे GST लगना चाहिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बताता है किस वैल्यू पे GST लगना चाहिए, इसी तरीके से खाली सप्लाई क्या बताएगा कि GST लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है जी, अब सप्लाई चैप्टर के अंदर गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी। गुड्स का मतलब क्या बोलता है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। कोई भी मूवेबल चीज हो, जैसे पेन है, ये वाटर बॉटल है, ये सब मूवेबल है, इसको हम गुड्स मानते हैं। ऐसा आपको याद नहीं करनी है, बस जस्ट समझनी है। और मनी एंड सिक्योरिटीज क्या है, गुड्स के अंदर काउंट नहीं करते। मनी एंड सिक्योरिटीज को ना तो गुड्स में काउंट करते हैं, ना ही हम सर्विसेज के अंदर काउंट करते हैं। मनी एंड सिक्योरिटीज को हमने GST से बाहर रखा गया है, बट गुड्स के अंदर हमने बोला है, गुड्स इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड व्हिच आर एग्रीड टू बी सर्व बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, ऐसा लिखा हुआ है। समझना मेरी बात, गुड्स की डेफिनेशन के अंदर एक्शनेबल क्लेम को हम जोड़ते हैं, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम GST से पहले, देखो तो GST से पहले जो अपना टैक्स चलता था वैट वगैरह, उसके अंदर भी लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग पे टैक्स लगता था। ठीक है, लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग पे टैक्स लगता था, जो कि गवर्नमेंट को GST में भी लगाना था लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग पे। अब टैक्स लगाना था सिर्फ और सिर्फ लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग पे ही, बट गुड्स के डेफिनेशन में इन्होंने पूरा का पूरा एक्शनेबल क्लेम ही डाल दिया। एक्शनेबल क्लेम का बेसिक मतलब क्या होता है, एक्शनेबल क्लेम का मतलब ये होता है कि आपका कोई भी ऐसा एक्शन जिससे आप फ्यूचर में कोई क्लेम लेने का राइट रखते हो, हक रखते हो। तो इन्होंने क्या किया, अब सपोज करो लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग के अलावा आप 3 आइटम और जोड़ने हो, 4 आइटम और जोड़ने हो, तो इसका मतलब इन्होंने गुड्स के डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम वर्ड रखा, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग नहीं रखा। टैक्स लगाना लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पे था, पर लॉटरी गेटिंग गैम्बलिंग, लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग एक्शनेबल क्लेम होते हैं। एक्शनेबल क्लेम तो ऐसे बहुत तरह की चीजें होती हैं, जैसे इंश्योरेंस भी एक्शनेबल क्लेम है, आपका कोई भी ऐसा एक्शन जिससे आपको फ्यूचर में किसी क्लेम लेने का राइट मिले, आग लगेगी तो आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, लॉटरी में टिकट लगेगा तभी आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया, गुड्स के डेफिनेशन जिससे चेंज ना हो, इसलिए पूरा का पूरा एक्शनेबल क्लेम तो एक बार गुड्स में रख दिया। बाद में जाके आप नेगेटिव लिस्ट में देखोगे तो नेगेटिव लिस्ट के अंदर इन्होंने क्या किया है, ऐसा बोला है कि कुछ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम ही है जिन पे GST लगता है, बाकी सब GST से बाहर है। अब पहले लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग था, अब इन्होंने कुछ नई चीजें और ऐड कर दी एक्शनेबल क्लेम के अंदर, वो हम देखेंगे। जैसे अब की बार इन्होंने ऑनलाइन गेमिंग ऐड कर दिया है, वो आता है ना कि विंजो खेलो। ठीक है, कई इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर होते हैं जिनके 5-5, 10-10 मिलियन फॉलोअर होते हैं, और वो विंजो के ऐड कर रहे हैं भैया। ठीक है, तो इस तरह का क्या हो गया, वो एक्शन वो ऑनलाइन गेमिंग में आ गया। दूसरा, हॉर्स रेसिंग, कैसीनो, ये सब किस में डाल दिया, अभी एक्शनेबल क्लेम में डाल दिया, जो कि हम शेड्यूल 3 के अंदर देखेंगे। ठीक है जी, आगे से देखते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड व्हिच आर एग्रीड टू बी सर्व बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। तो इन्होंने क्या बोला, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स
अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सब बिफोर सप्लायर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लायर। सपोज करो कि कोई क्रॉप है वो अभी खेत में लगी हुई है पर उसका डील पहले ही हो गया, ठीक है, मतलब अभी तक मूवेबल नहीं है, वो जमीन से जुड़ी हुई है पर उसकी पहले ही, जैसे पार्ले जी क्या करता है, पार्ले कंपनी खेत की खेत एक साथ खरीद लेते हैं, गेहूं के चावल के चावल एक साथ खरीद लेते हैं, तो हम उसके केस में क्या करते हैं, इनको इसको भी गुड्स मान लिया जिसकी डीलिंग पहले हो जाए। तो ऐसा सच कोई काम करनी है, इसका कोई क्वेश्चन में रेलिवेंस भी नहीं मिलेगा आपको, इतना ध्यान में रखना है। गुड्स का मतलब कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी एंड सिक्योरिटीज जीएसटी से बाहर है, गुड्स भी से भी बाहर है, सर्विस से भी बाहर है, और एक्शनेबल क्लेम को इन्होंने गुड्स में डाला है क्योंकि कुछ एक्शनेबल क्लेम पर टैक्स लगाना था, जैसे लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, और अभी की बार जो अमेंडमेंट में आए ऑनलाइन मनी, गेमिंग एप्स और कैसीनो वगैरह, हॉर्स रेसिंग, इन सबको भी डाल दिया। सर्विसेज का मतलब क्या है, अरे आप ये प्लीज लाइव चैट में जो पैसे भेज रहे हैं बच्चे की, आपका क्लियर हो गया 500 रुपीज़, 1000 रुपये जो भी भेज रहे हैं ये मत भेजिए, आप 1 रुपये भेजेंगे तो भी मेरे को, मैं एक्सेप्ट करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। आगे आगे देखिए सर्विसेज के उसमें आते हैं, सर्विसेज का मतलब क्या है, गुड्स के अलावा जो भी है वो सर्विस है, एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस, गुड्स के अलावा जो भी बचा वो सर्विस है। इतनी बढ़िया डेफिनेशन बनाई कि भैया कोई चीज छूट ही ना सके, अगर सर्विस की कोई बड़ी सी लिस्ट भी निकालते ना 10 पेजेस की तो भी क्या पता कोई ना कोई केस कर देता कि ना तो एक गुड्स है ना सर्विस है, अभी इन्होंने डेफिनेशन ही ऐसी बनाई, जो गुड्स नहीं वो सर्विस, बात खत्म। पर मनी और सिक्योरिटीज जीएसटी से बाहर रखा, मनी एंड सिक्योरिटीज को क्या रखा, जीएसटी से बाहर रखा इन्होंने, और मनी को भी बाहर रखा, और सिक्योरिटीज का मतलब क्या हुआ, जैसे शेयर्स हो गए, डेरिवेटिव्स हो गए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये सब क्या हो गए, सिक्योरिटीज हो गए, इनको भी जीएसटी से बाहर रखा। गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती कि सिक्योरिटीज पे जीएसटी लगे, गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें। आप देख सकते हैं आज इंडियन मार्केट कहां पे पहुंच चुका है, इनफैक्ट शेयर मार्केट में तो पहले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कोई टैक्स भी नहीं लगता था, इनफैक्ट डीटी में भी प्रमोट करते हैं इनको, और अभी भी सिर्फ और सिर्फ 10% ही टैक्स है एलटीसीजी के केस में, तो आपको पता है कि सिक्योरिटीज को क्यों जीएसटी से बाहर रखा गया है। कंसिडरेशन के मतलब पे आते हैं, कंसिडरेशन का मतलब क्या है, कंसिडरेशन का मतलब ये होता है समथिंग इन रिटर्न, किसी चीज के बदले में कुछ मिलना, उसको हम कंसिडरेशन बोलते हैं। पर जो चीज मिल रही है ना उसका मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए, जरूरी नहीं कंसिडरेशन मॉनेटरी टर्म्स में हो, जरूरी नहीं कंसिडरेशन पैसे में दिया जाए, लेकिन कंसिडरेशन का मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए। जैसे सपोज करो बॉटल के बदले में किसी को शूज मिले, बॉटल का भी मॉनेटरी वैल्यू है, शूज का भी मॉनेटरी वैल्यू है, तो कंसिडरेशन तो हो गया। जरूरी नहीं है कि बॉटल के बदले आप पैसा ही दो, बार्टर सिस्टम जिसको बोलते हैं ना वो भी कंसिडरेशन में इंक्लूड होता है, लेकिन उसका मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए। नेचुरल लव एंड अफेक्शन सेटिस्फेक्शन को कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं करते। जैसे सपोज करो प्रकाश जी हैं, प्रकाश जी ने सपोज करो अपनी गर्लफ्रेंड को एक आईफोन गिफ्ट करा और आईफोन के बदले इनको नेचुरल लव एंड अफेक्शन मिला, प्रकाश जी से पूछा गया आपको क्या मिला, बोले बहुत खुशी मिली, बहुत प्यार मिला, ये कोई कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि जो प्यार मिला जो खुशी मिली उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, उसको आप पैसों में नहीं तोल सकते, ठीक है। आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, सेटिस्फेक्शन है, उसको आप पैसों में नहीं तोल सकते, दैट इज नॉट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब जो मिले उसका मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए। इसी के ऊपर एक सर्कुलर आया था डोनेशन करके, डोनेशन वाले सर्कुलर ने क्या कहा, ध्यान से देखिएगा मेरी बात। अब डोनेशन वाले सर्कुलर ने ऐसे बोला कि अगर आप मंदिर में दान देते हो और भगवान को बोलते हो भगवान मैं आपको 5000 रुपये दूंगा, मेरे को सीए बना देना, और भगवान ने आपको सीए बना दिया, तो ये कोई आपकी आस्था थी, आपकी पढ़ाई थी जिसने सीए बनाया, भगवान के साथ आपका कोई सौदा नहीं हुआ था जिस कारण से आप सीए बने। जो आप 5001 रुपये मंदिर में चढ़ाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपकी श्रद्धा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी आस्था है। तो इन्होंने बोला कि अगर आप डोनेशन करते हो, डोनेशन आप किसको करते हो, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को करते हो, तो आपको एग्जाम में लिख के क्या आना होगा, अगर डोनेशन का सर्कुलर आ जाएगा तो 3 स्टेटमेंट हैं जो आपको लिख के आने पड़ेंगे, जो आपको मेंशन करके आने पड़ेंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, तभी आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, देखिए गिफ्ट ऑब्लिक डोनेशन इज मेड टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा तो थोड़ी हर किसी को गिफ्ट पकड़ा देंगे तो वो मान लेंगे, ऐसे तो कोई भी इंसान किसी को फ्री में कोई भी चीज दे देगा बोल देगा डोनेशन है, तो कुछ तो डिसाइड करना था कि डोनेशन किसको दे सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि हम जो डोनेशन देंगे ना वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को देंगे पहली बात तो, और वो डोनेशन कैसी होनी चाहिए, उसका नेचर होना चाहिए गिफ्ट वाला, डोनेशन हैज द पेमेंट ऑफ गिफ्ट, डोनेशन पेमेंट हैज द कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट, उसका जो नेचर होना चाहिए वो गिफ्ट वाला होना चाहिए, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को देंगे, और पर्पस फिलेंट्रॉफिक होना चाहिए, एडवर्टीजमेंट वाला पर्पस नहीं होना चाहिए, कोई एडवर्टीजमेंट वाला पर्पज नहीं होना चाहिए। हमने एग्जाम्पल भी लिया है, ये एग्जाम्पल हमने क्या किया, आईसीए ने इसी तरह का एक क्वेश्चन दिया था जिसका हमने एग्जाम्पल बना के समरी बुक में डाल दिया, ठीक है जी। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स हैं यूपी के, जिनका एक पब्लिशिंग हाउस है, उन्होंने एक हॉस्पिटल को बेंच डोनेट की, जैसे हॉस्पिटल में लिखा रहता है ना दिस बेंच इज डोनेटेड बाय दिस 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 पर्सन, बेंच पे सिर्फ और सिर्फ उनका नाम लिखा हुआ है मिस्टर एक्स। नाम लिखना कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, नाम लिखना तो एक एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड है, हॉस्पिटल ऐसा दिखा रहा है कि भाई मिस्टर एक्स ने बेंच डोनेट करी है, देन इट इज एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड, ठीक है। पर
अगर बेंच पे लिखा हुआ है कि डोनेटेड बाय मिस्टर एक्स, पब्लिशिंग हाउस गाजियाबाद यूपी, उनका पूरा एड्रेस ही दे दिया, उनका पूरा एड्रेस ही दे दिया, तो भाई वो तो गलत है ना, वो तो गलत है ना। अगर आप उनका किसी का एड्रेस ही दे रहे हो वो तो पूरा गलत है, वो तो साइंस ऑफ एडवर्टीजमेंट हो गया, वो तो काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट हो गया, ठीक है, तो वो गलत है, उसको एडवर्टीजमेंट माना गया है। तो आपको देखना रहेगा, वो आपको समझ जाना है, समझ जाएगा आपको कि भाई कौन सा चीज एडवर्टीजमेंट है कौन सा नहीं। सपोज करो मैं किसी हॉस्पिटल को 1 लाख रुपए दान में दूं और हॉस्पिटल को पता है क्या बोलूं, हॉस्पिटल को बोलूं कि एक बड़ा सा पोस्टर लगाओ ऐसा जिसमें मैं AKG ऐसा खड़ा हुआ रहूं हाथ जोड़ के, और उसमें आप डाल दो कि कोई भी बढ़िया लड़की हो शादी के लिए तो बताइए, क्या हो गया ये काइंड ऑफ। चलो शादी के लिए तो कोई मेरा एडवर्टीजमेंट नहीं हुआ, लेकिन AKG क्लासेस का मैं बड़ा सा बोर्ड लगवा दूं मान के चलो, ये तो मेरा एडवर्टीजमेंट हो गया क्योंकि मेरा बिजनेस है। AKG टेक्सटाइल्स, AKG एयरलाइंस, मान के चलो बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगवा दूं मैं इसे, ठीक है, तो बिजनेस हो गया है तो मेरा, समझ रहे हो मेरी बात। शादी वाला बिजनेस नहीं होगा क्योंकि वो मेरा पर्सनल ट्रांजेक्शन है, दैट इज नॉट अ बिजनेस, ठीक है। तो उस केस में उसको डोनेशन नहीं मानेंगे, उस केस में हम क्या मान लेंगे इसको, इस केस में कोई डोनेशन नहीं मानेंगे, एक एडवर्टीजमेंट मान लेंगे, ये माना जाएगा एडवर्टीजमेंट। और हॉस्पिटल को मैंने जो 1 लाख रुपए दिए वो किसके लिए दिए, मैंने एडवर्टीजमेंट के लिए दिए। अगले, लेकिन मैंने ऐसे ही दान में दे दिए कि भाई मैं चाहता हूँ आप गरीबों का इलाज करो, तो उसको डोनेशन माना जाएगा और उस पर कोई GST नहीं लगेगा, क्योंकि बदले में कुछ मिला नहीं ना मेरे को, समझ रहे हो, बदले में कुछ मिला नहीं, कंसिडरेशन का होना इन्वॉल्व जरूरी है। अब एक तरफा पैसा देना हॉस्पिटल को, एक तरफा 1 लाख रुपए देना और बदले में कुछ नहीं मिलना, तो कंसिडरेशन ही नहीं हुआ तो सप्लाई कैसे मानेंगे। पर बदले में अगर मेरा एडवर्टीजमेंट हो रहा है तो कंसिडरेशन हो गया ना, इसलिए सप्लाई मानेंगे। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, समथिंग इन रिटर्न, किसी चीज के बदले में कुछ मिलना, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन बोलते हैं, ठीक है। किसी चीज के बदले में कुछ मिलना, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन बोलते हैं। कंसिडरेशन के अंदर दो चीजें और ऐड होंगी, दो चीजें कौन कौन सी ऐड होंगी, ध्यान से सुनना, इंड्यूसमेंट और फोरबियरेंस, ये भी कंसिडरेशन का पार्ट माना जाता है। इंड्यूसमेंट और फोरबियरेंस, सबसे पहले फोरबियरेंस को पकड़ते हैं। फोरबियरेंस का मतलब क्या होता है, किसी को आप प्रवोक कर रहे हो। फोरबियरेंस का मतलब क्या होता है, फोरबियरेंस का मतलब होता है किसी को आप क्या कह रहे हो कि भैया तू ऐसा ऐसा काम मत कर, तेरे को हम इतना पैसा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई मेरे को बोले कि ये लो जी 10 करोड़ रुपए लो और IDT पढ़ाना बंद कर दो। अपने ऑफिस में आपके जो प्रिंसिपल है वो आपके किसी सीनियर आर्टिकल को बोल रहा है कि भाई अब तू CA बन गया, सारे क्लाइंट तेरे को जानते हैं, 20 लाख रुपए ले और तू अपनी फर्म मत खोलना, प्रैक्टिस मत खोलना। कुछ ना करने के लिए पैसा देना भी फोरबियरेंस होता है और उस पर भी टैक्स लगता है। और इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है, इंड्यूसमेंट ये होता है किसी को आप प्रवोक कर रहे हो। फोरबियरेंस का मतलब क्या है, कुछ ना करने का पैसा, और इंड्यूसमेंट का मतलब किसी को आपको प्रवोक करना। जैसे आप हाईवे पे किसी बस ड्राइवर को बोल रहे हो, कंडक्टर को बोल रहे हो कि भाई तू तेरी बस यहीं रोक दे, तू तेरी बस इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट पे रोक दे, और रेस्टोरेंट वाला कह रहा है कि मैं ड्राइवर को और कंडक्टर को फ्री में खाना खिलाऊंगा। लेट्स सपोज एक प्लेट 150 रुपीज की आती है, दो लोगों को फ्री में खाना खिलाया, 300 रुपए भले ही रेस्टोरेंट वाले ने ड्राइवर और कंडक्टर से चार्ज नहीं करे, लेकिन उसकी लायबिलिटी बनती है कि वो 300 रुपीज पे GST पे करे, उस 300 रुपए पे GST पे करे। ऑल दो प्रैक्टिकल लाइफ में वो जो पैसा कस्टमर से ले रहा है उस पर भी GST नहीं देता, लेकिन किताबें हमें ये सिखाती है कि भैया 300 रुपए जो उसने नहीं लिए ड्राइवर कंडक्टर से उस पर भी उसको GST देना चाहिए। आया समझ में? तो कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ, समथिंग इन रिटर्न जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए, और फोरबियरेंस और इंड्यूसमेंट को भी कंसिडरेशन का पार्ट माना गया है। आगे आता है, कंसिडरेशन के अंदर हम कोई सब्सिडी इंक्लूड नहीं करेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलते हैं, जैसे मान के चलो कि मयंक गुप्ता जी हैं जी। अब मयंक गुप्ता जी के पिता, इमेजिनरी एग्जाम्पल है, दिल पे मत लीजिएगा। मयंक गुप्ता जी के पिताजी ने क्या किया, इनको बोला कि मयंक अगर मई 24 में अगर CA नहीं बना तो एक क्या करेंगे, एक रिक्शा दिला देंगे भैया को, ठीक है। अब मयंक सोचने लगा हुआ है कि अगर मेरे को रिक्शा दिलाया अगर मैं CA नहीं बना, तो मान के चलिए, इमेजिन करते हैं एक मिनट के लिए कि इन केस मान के चलो कुछ गड़बड़ हो गई, मयंक ने पढ़ाई नहीं करी और मयंक को अब रिक्शा लेने की नौबत आ गई। अब पता चला रिक्शा कितने का आता है, 3 लाख रुपए का रिक्शा आता है भाई साहब। पिताजी ने कहा, फादर ने बोला कि भैया 1 लाख रुपए हम दे देंगे, 1 लाख रुपए हम दे देंगे। मयंक के दोस्तों ने, जिनको पूरा सपोर्ट किया मयंक को आज तक, इसके फेल होने में इसी के दोस्तों का हाथ था, तो आज भी वो इसके साथ खड़े हैं। और मयंक के फ्रेंड्स ने क्या किया, मयंक के फ्रेंड्स ने इसको 1 लाख रुपए मयंक के फ्रेंड्स ने दे दिए। ये सब देखते हुए अंबानी जी की आंखों में आंसू आ गए, अंबानी जी ने कहा 30,000 रुपए हम भी देंगे, ठीक है, और 20,000 रुपए इस काम की मयंक के लिए मैंने भी दे दिए, 20,000 रुपए मैंने भी दे दिए। मोदी जी ने कहा, जब सब लोग सहयोग कर ही रहे हैं मयंक को रिक्शा दिलाने के लिए, तो भैया भारत सरकार भी देगी 40,000 रुपए,
और मयंक दिल्ली में रहता था, तो केजरीवाल जी ने कहा अब इतना ही बचा है 10,000 हम भी दे देंगे। और इस तरीके से क्या हुआ, 3 लाख रुपए का पूरा बंदोबस्त हो गया भाई। सवाल ये आता है कितने पे जीएसटी लगेगा, तो जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दे रही है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, बाकी पूरे पे जीएसटी लग जाएगा। तो कंसिडरेशन अब 2,50,000 रुपीज मानेंगे, समझ रहे हो, इस प्रकार से मयंक का रिक्शा पाएगा। तो कंसिडरेशन कितना माना जाएगा, 2,50,000 रुपीज का कंसिडरेशन माना जाएगा। परफेक्ट है जी। तो कोई भी सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिले वो इंक्लूड नहीं होती। रेसिपिएंट कौन होता है, जो पैसा दे दे वही रेसिपिएंट है जी, ठीक है, जो पैसा दे दे वही रेसिपिएंट। गुड्स के केस में और सर्विस के केस में जो पैसा दे दे वही रेसिपिएंट है। और विदाउट कंसिडरेशन है, जैसे सपोज करो मैं किसी को फ्री में सर्विस दे रहा हूँ, तो जिसको मैं सर्विस दे रहा हूँ वो रेसिपिएंट है, और मैं किसी को गुड्स दे रहा हूँ फ्री में, तो जिसके हाथ में मैं गुड्स दे के आया भैया वही रेसिपिएंट मान लिया जाएगा। इतना डिटेल में नहीं जाना, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं सप्लाई का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई, बाकी के डेफिनेशन मैं आपको बताता रहूंगा, सुनिएगा मेरी बात। सेक्शन नंबर सेवन बताता है सप्लाई है या नहीं। अब सप्लाई के अंदर भी तीन चीजें हैं, 71A, 71B और 71C। 71A, 71B और 71C सप्लाई के अंदर तीन चीजें हैं। अब सेक्शन नंबर सेवन मतलब सप्लाई, सेक्शन नंबर सेवन मतलब सप्लाई, ठीक है जी। अब 71A क्या बोलता है कि अगर आपने चार कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी तभी सप्लाई माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। चार कंडीशन कौन कौन सी है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा है मेड और एग्रीड टू बी मेड, तीसरा है फॉर कंसिडरेशन, चौथा है इन द कोर्स ऑफ फर्जेंस ऑफ बिजनेस। इन्होंने क्या बोला, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये ऑल फॉर्म के अंदर क्या क्या आता है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मेड और एग्रीड टू बी मेड, फॉर कंसिडरेशन और इन द कोर्स ऑफ फर्जेंस ऑफ बिजनेस। ये चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो ही सप्लाई मानेंगे। ऑल फॉर्म्स का मतलब क्या है, जैसे सप्लाई की डेफिनेशन जो है ना वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव मतलब कि ये सप्लाई के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। कल को कोई नई चीज निकल के आ जाएगी तो वो भी हम बोल देंगे देखो ये तो इंक्लूडिंग डेफिनेशन है, ठीक है, ये तो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव डेफिनेशन को आप समझना मेरी बात, जैसे मान के चलो कि सोहम क्या बोल रही है, सोहम बोल रही है माय फ्रेंड इंक्लूड्स स्वाति, अमित एंड जतिन। अब कल को कोई चौथा भी निकल के आ गया तो भैया वो बोलते कि मैंने तो इंक्लूड्स बोला था, ऐसे थोड़ी बोला था, फ्रेंड्स मींस इंक्लूड बोला था। तो ये जानबूझ के ऐसी डेफिनेशन बनाते हैं जिससे इनका स्कोप ज्यादा से ज्यादा हो। इन्होंने क्या लिखा है, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर। सेल मतलब किसी को आपने बोला कि साहब जी 10 रुपए दे दो ये पेन ले लो, सेल हो गई जी। ट्रांसफर मतलब क्या होता है, आपने अपनी एक ब्रांच का सामान दूसरे ब्रांच को भेज दिया, क्या उस पर भी जीएसटी लगेगा क्या, हाँ जी लगता है, अभी हम देखेंगे शेड्यूल वन के अंदर। बार्टर, आपने क्या बोला, मेरा लैपटॉप का बिजनेस था, आपका मोबाइल का बिजनेस था, मैंने आपको एक नया लैपटॉप दे दिया, आपने मेरे को एक नया मोबाइल दे दिया, तो भैया इस केस में भी जीएसटी लगेगा। लैपटॉप पे जीएसटी मैं लगाऊंगा, मोबाइल पे आप लगाओगे, मतलब जो जिस मैं मेरे लैपटॉप है तो मैं लैपटॉप पे लगाऊंगा, आपका मोबाइल है तो आप लैपटॉप पे लगाओगे, ठीक है, मेरा लैपटॉप आपका मोबाइल, ठीक है, मतलब किसी का कुछ भी मान लो। बार्टर में भी क्या होता है, जीएसटी लगता है। एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब क्या है, देखो बार्टर में तो क्या होता है कि आर्टिकल्स इन्वॉल्व रहते हैं, सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ आर्टिकल इज नोन एज बार्टर सिस्टम। अब एक्सचेंज में क्या होता है, आपने अमेजोन से 50,000 रुपीज का फोन मंगाया, पुराना फोन दे दिया 10,000 रुपए में, ओल्ड फोन दे दिया 10,000 रुपए में, और बचे हुए आपने 40,000 रुपीज का कैश पेमेंट कर दिया या कैसे भी पेमेंट कर दिया। जीएसटी कितने पे लगेगा, 50,000 पे लगेगा जीएसटी, लगेगा पूरे 50,000 पे। ऐसा थोड़ी कि अमेजोन से आप नया फोन मंगाओगे तो बोलेगा अच्छा 10,000 का पुराना दे रहे हो तो मैं 40,000 का ही बिल बना के लाता हूं और उसी पे जीएसटी लगाता हूं, ऐसा नहीं होता। बिल पूरे का आता है, पुराना सामान जाता है, ठीक है जी। ये तो हो गया आपका एक्सचेंज। लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। ये लाइसेंस, अगर आपने किसी को अपना बोला कि भैया तू मेरी फ्रेंचाइजी खोल ले, मैं तेरे को लाइसेंस दे रहा हूँ, लीज पे कोई जगह दे दी, रेंटल क्या हुआ, रेंट पे कोई जगह दे दी, लीज और रेंट, अब इसमें क्या मतलब होता है, डिफरेंस क्या होता है, इतना डिटेल में जा नहीं सकते क्योंकि रिविजन लेक्चर है ना। और तो इसके केस में इन्होंने क्या बोला कि ये सब क्या ऑल फॉर्म्स में माने जाएंगे। डिस्पोजल पे क्यों जीएसटी लगता है वो भी अभी हम देखेंगे शेड्यूल वन पैरा वन में। तो इन्होंने क्या बोला, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मेड और एग्रीड टू बी मेड, फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होना चाहिए, और इन द कोर्स ऑफ फर्टेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। मतलब आप ये मान के चलो कि सप्लाई क्या है, चार पहियों की गाड़ी है जी। सेक्शन नंबर 71A हम पढ़ रहे हैं, 71A बताता है सप्लाई के बारे में। 71A है क्या, एक चार पहियों की गाड़ी है। उस चार पहिए कौन कौन से हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मेड और एग्रीड टू बी मेड, फॉर कंसिडरेशन और इन द कोर्स ऑफ फर्टेंस ऑफ बिजनेस। चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जानी चाहिए तभी हम सप्लाई मानेंगे। कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी हम सप्लाई नहीं मानेंगे, कोर्स और फर्जेंस ऑफ बिजनेस नहीं होगा तो भी सप्लाई नहीं मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि आपने क्या किया, एक डोमिनो से पिज्जा मंगवाया, ठीक है। यहाँ पे जो हम कोर्स और फर्जेंस ऑफ बिजनेस देखते हैं वो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। आपने डोमिनो से पिज्जा मंगवाया, पिज्जा डिलीवरी बॉय घर पे आया,
₹400 का पिज्जा था, आपने बोला कि भैया पिज्जा तो नहीं है, कुछ और ले ले। उसने कहा ठीक है, उसने आपसे आपकी घड़ी ले ली, वॉच ले ली है, ठीक है, क्या ये सप्लाई है नहीं है, आइए देखते हैं, क्या ये ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई है, सेल तो है जी, डोमिनोज ने पिज्जा ही बेच दिया, मेड और एग्री टू बी मेड है, हाँ जी पिज्जा आ गया, कंसिडरेशन, हाँ जी घड़ी दिए ना, चौथा इन द कोर्स और फर्जेंस ऑफ बिजनेस, हाँ जी डोमिनोज को तो बिजनेस ही है, तो हाँ जी सप्लाई है। आपने अपना एक पुराना मोबाइल एक कंपनी को बेच दिया, कैशिफाई, कैशिफाई क्या करती है, ओल्ड मोबाइल के अंदर डील करती है, आपने अपना ओल्ड फोन एक कैश कंपनी को बेच दिया कैशिफाई, क्या ये सप्लाई है या नहीं है, तो आइए देखते हैं ऑल फॉर्म्स है या नहीं, आपने सेल कर दिया जी बिल्कुल, मेड और एग्री टू बी मेड है, हाँ जी मेड कर दिया हमने, दे दिया कंसिडरेशन, हाँ जी कैशिफाई ने पैसा दिया, क्या इन द कोर्स और फर्दर्स ऑफ बिजनेस है, आपका मोबाइल बेचने का धंधा है, नहीं, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू देखना है तो ये सप्लाई नहीं है, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि सर कैशिफाई अगर ये फोन आगे किसी को बेचेगा तो कैशिफाई कैसे जीएसटी पे करेगा, क्योंकि कैशिफाई का तो कोई आईटीसी मिली ही नहीं होगी आपसे, भाई जीएसटी दिया होगा, देखो कैशिफाई मेरे को पैसा देगा पर उस पर विदाउट जीएसटी वो पैसा देगा, क्योंकि जीएसटी लगा ही नहीं इस ट्रांजेक्शन पे, तो अब कैशिफाई आगे मोबाइल को बेचेगा, कैशिफाई ₹5,000 मोबाइल खरीदेगा मेड से लेस सपोज, और आगे ₹8,000 में बेचेगा, तो क्या आप कैशिफाई किसी को बेचेगा तब जीएसटी लगाएगा, तो कैशिफाई का तो धंधा है, कैशिफाई तो लगाएगा, अब जीएसटी के ₹8,000 लगाएगा, तो ₹8,000 लगाएगा तो गलत हो गया, परचेज भाई जीएसटी तो वैल्यू एडिशन पे लगना चाहिए, तो इसके लिए वैल्यूएशन में एक रूल है मार्जिन स्कीम, वो बताएगा कैसे जीएसटी लगाना है, मार्जिन स्कीम से पता चलेगा कि जीएसटी कैसे लगेगा, वो वैल्यूएशन चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इतना डिटेल में मत जाओ, थोड़ा मैं लिंक वाले प्रोसेस में चला गया, इतना लिंक नहीं करना, ठीक है, ठीक है जी, आगे बढ़ते, इतना हमने देख लिया, सप्लाई का मतलब देख लिया, 7(1)(a) ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन और इन द कोर्स ऑफ फर्जेंस ऑफ बिजनेस, ये चारों की चारों कंडीशन हमने देख ली, ये चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए तभी हम इसको सप्लाई मानेंगे। अब 7(1)(b) क्या होता है, 7(1)(b) के अंदर इन्होंने क्या बोला कि अगर आप कुछ इम्पोर्ट भी कर रहे हो, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, सर जी इम्पोर्ट ऑफ गुड्स क्यों नहीं, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस ही क्यों, 7(1)(b) के अंदर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस लिखा हुआ है, अरे नालायक, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगती है, यहाँ हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, अगर आप कोई भी इम्पोर्ट ऑफ सर्विस करते हो तो आप तीन भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर दोगे, तीन कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर दोगे तो भी क्या हो जाएगा, सप्लाई मान लेंगे, वो तीन कंडीशन कौन कौन सी ध्यान से देखना, लास्ट वाली जो कंडीशन ना कोर्स और फर्जेंस ऑफ बिजनेस वो आपको सेटिस्फाइड नहीं करोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे कोर्स और फर्जेंस ऑफ बिजनेस रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। अब आप बोल रहे भैया कभी सप्लायर कभी रिसीवर समझ में नहीं आ रहा, तो टेंशन की बात नहीं है, 7(1)(b) को मैं शेड्यूल 1 पैरा 4 के साथ पढ़ाऊंगा, तो 2 मिनट के लिए आप भूल जाओ 7(1)(b) क्या होता है। अब हम डायरेक्टली 7(1)(c) पे आ जाते हैं, देखो सप्लाई का मतलब क्या होता है, 7(1)(a), (b) और (c), बी को अभी तक होल्ड पे रखते हैं, ए हमने पढ़ लिया, ए में चार कंडीशन होती है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन और इन द कोर्स ऑफ फर्जेंस ऑफ बिजनेस, अगर इतना समझ में आ गया तो एक बार लाइक मार दो, क्योंकि अभी भी लाइक काफी कम है, ठीक है, इतना समझ में आ गया तो लाइक मार दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 7(1)(c) पे, जिसको हम शेड्यूल 1 बोलते हैं। शेड्यूल 1 क्या बोलता है, शेड्यूल 1 ये बोलता है कि विदाउट कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी हम सप्लाई मान लेंगे, क्या बात कर रहे हो, बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई, हाँ पर कंसिडरेशन तो जरूरी है सप्लाई के लिए, चार ऐसे केसेस हैं जहां पे कंसिडरेशन नहीं है तो भी सप्लाई मान लेंगे, तो जब भी क्वेश्चन आए ना भाई विदाउट कंसिडरेशन, आपके दिमाग में वो चार ही केसेस आने चाहिए कि भाई इन चार केसेस में तो कहीं ये फॉल नहीं कर रहा, अगर वो इन चार केसेस में फॉल कर रहा है तो मान के चलो कि वो सप्लाई है, तो चार ही ऐसे केसेस हैं जहां पे कंसिडरेशन नहीं है तो भी हम उसको सप्लाई मान लेंगे। अब वो चार केसेस कौन कौन से हैं, तो चार केसेस को इन्होंने ऐसे पैरा नाम से बुलाना शुरू किया, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, जिसे थोड़ा फैंसी लगे, जैसे आपको घर पे बुलाते हैं चुन्नू मुन्नू, वैसे इन्होंने पैरा बुलाना शुरू किया पैरा वन क्या बोलता है, थोड़ी हैवी फीलिंग आया जैसे पता नहीं क्या हो, ओहो पैरा, जैसे मैथ्स में एक्स वाई ऐसे करते थे ना, कुछ होता कुछ नहीं था, वैसे इन्होंने पैरा बुलाना शुरू किया पैरा वन। शेड्यूल वन क्या बुलाता है ध्यान से सुनना, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट, हुआ क्या, समझना मेरी बात, मृदुल शर्मा क्या कह रहा है, मृदुल शर्मा ने क्या करा, एक एसी परचेज करा अपने शॉप के लिए, अपने बिजनेस के लिए, और उस एसी पे आईटीसी भी क्लेम कर ली, भाई गवर्नमेंट आईटीसी दे देती है अगर आप बिजनेस के लिए कोई भी चीज खरीदते हो, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इसको आईटीसी दे दी, इसने आईटीसी क्लेम कर ली, इसके बिजनेस के अंदर क्या हुआ, एक मोहतरमा आई इसकी दुकान में और उन्होंने कहा कि भैया मैं क्या नाम था कि ये एसी तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये एसी तो क्या लग रहा है, मृदुल को क्या बोला, भैया मृदुल ये एसी तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो मृदुल ने कहा मैडम आप ले जाइए, भैया मृदुल नहीं बोला ऐसे, बोला मृदुल जी ये एसी तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो मृदुल ने कहा मैडम आप इस एसी को ले जाइए, और बोला छोटू ये एसी मैडम के घर लगवा दे। अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, अरे वो भैया सफेद शर्ट क्या मजाक चल रहा है क्या, तुमको हमने आईटीसी दिया इसलिए दिया कि तुम एसी को बिजनेस में काम में लो, अपना व्यापार बढ़ाओ,
तुम मैडम को एसी फ्री में दे दिए तो आईटीसी कैसे क्लेम करे? अब अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट ऐसे कह रही है, जीएसटी डिपार्टमेंट क्या कह रहा है कि भैया ये जो आईटीसी मृदुल ने क्लेम करी ना, ये वापस से लेंगे हम मृदुल से। अब हम ये आईटीसी कैसे लेंगे, मृदुल से हम वापस से लेंगे, ठीक है, मृदुल से वापस से लेंगे। सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट टैक्स लेना चाहती है वापस से। अब टैक्स तो लगता है, कंसिडरेशन होगा तभी तो टैक्स लगेगा। मृदुल तो कह रहा है तो विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई किया है मैंने, टैक्स कैसे ले लोगे आप वापस? टैक्स तो तभी लगता है जब कंसिडरेशन होगा। तो गवर्नमेंट कह रही भैया हमारे घर का लॉ है। तो गवर्नमेंट ने शेड्यूल वन पैरा वन में क्या डाल दिया कि अगर आपने कोई भी असेट परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोज कर दिया, जला दिया, आग में फेंक दिया, चैरिटी में दान दे दिया, एनजीओ को दे दिया, किसी लड़की को दे दिया, कुछ भी कर दिया आपने, पर उस पर आईटीसी क्लेम कर ली, तो आईटीसी क्लेम कर ली मतलब आप डीम्ड प्रॉमिस कर चुके हैं कि आपको इसको बिजनेस में ही काम में लेना चाहिए था। पर आप तो क्या कर रहे हो, अब आपको समझ में आया डिस्पोजल को भी क्यों लिया हमने? वहां पे हमने पढ़ा था ऑल फॉर्म्स में लास्ट पार्ट डिस्पोजल, डिस्पोजल पे भी जीएसटी लगता है, इसलिए लगता है डिस्पोजल पे भी जीएसटी। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट, तो आईटीसी रिवर्स करो। अच्छा चलो थोड़ा सा आईटीसी के साथ लिंक करते हैं इसको। मान के चलना मृदुल क्या कह रहा है जी, हमने एसी परचेज किया था 1 लाख रुपीज में, लेट्स सपोज, जिसपे मिर्दुल ने 28,000 रुपीज की आईटीसी क्लेम कर ली थी जी। अब गवर्नमेंट कह रही है मिर्दुल को कि भाई तूने फ्री में एक लड़की को फ्रिज दे दिया, तो तू ये आईटीसी का पैसा हमको वापस दे। मिर्दुल कह रहा है चलो जी फ्री में नहीं करते हैं, मैंने उस मोहतरमा को 100 रुपए में एसी दे दिया, विदाउट कंसिडरेशन नहीं है, अभी तो कंसिडरेशन इन्वॉल्व है 100 रुपए, तो 100 रुपए पे 2,800 रुपए का जीएसटी बनता है, लाओ जी मैं आपको 2,800 रुपए देता हूँ। तो गवर्नमेंट बोली कि भैया हम तेरे को, हम ही पागल मिले। तो गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया, सेल ऑफ कैपिटल असेट पे अगर आपने कोई असेट बेची, जितना आपने आईटीसी अवेल किया उसको रिवर्स करो प्रोपोर्शनेटली। अब कैसे प्रोपोर्शनेटली रिवर्स करना है वो आईटीसी में देखेंगे। तो आईटीसी रिवर्सल और जीएसटी ऑन सेल वैल्यू, देखो रिवर्स करो और जितना जीएसटी जितने में आपने बेचा विद कंसिडरेशन बेचा, तो जीएसटी ऑन सेल वैल्यू, आईटीसी रिवर्सल और जीएसटी ऑन सेल वैल्यू विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा ना भैया मिर्दुल उस पे टैक्स लेंगे। ये नेता मत बनो कि लाओ जी 1 लाख का एसी 100 रुपए में बेच दिया, अब कर लो क्या करोगे, अब तो विदाउट कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। तो वहां पे अपन पढ़ेंगे इसको, ठीक है, ड्रिल में नहीं जाना ज्यादा, फिर भी मैंने एक चार्ट बना दिया। ये बुक अपने आप में कंप्लीट एंड सफिशियंट बुक है, इसको आप कर लो, मोर देन सफिशियंट है। वैसे आई एम मतलब फॉर एवर ग्रेटफुल टू यू गाइज। आज मैं क्लास वाले बच्चों को भी दिखा रहा था, जो अभी हमारा फास्ट ट्रैक पे चल रहा है, किसी को लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ले सकते हो आप, मैं सब कुछ ही कवर्ड है। आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल कि मैं दिखा रहा था कि भाई हमने 5,000 बच्चे पढ़ा दिए हैं, तो उसके अंदर डेटा दिख रहा था तो अच्छा लगा। और बुक्स का हमारा स्टॉक था 5,000 किताबें छपाई थी पहले, 2,000 फिर 3,000, खत्म। तो अभी और प्रोसेस चल रहा है। तो मेरे को लगता है कि यार एक छोटा सा चैनल है, छोटे से टेलीग्राम में बच्चे हैं, 11,250-11,300 लोग इंक्लूडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल में, उसमें से 5,000 बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि 50% कन्वर्जन रेट शायद ही किसी का हो, और ज़्यादा एडवर्टीजमेंट वगैरह भी नहीं होता। बट ऑल क्रेडिट गोज टू यू गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडिंग टू अदर्स, वरना मेरे को तो थोड़ा सा अजीब ही लगता है ये चीज़ कि इतना कैसे लोग आ रहे हैं, इतना कैसे बच्चे देख रहे हैं, इतने कैसे क्लासेस ले रहे हैं, बट ग्रेटफुल टू यू ओनली। वो आज ही हुआ इंसिडेंस, इसलिए मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, शेड्यूल वन पैरा वन हमने देख लिया, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट, ठीक है। कोई भी असेट आपने परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोज कर दी है, जिस पे आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, वो गलती कर दी आपने, वो गलती कर दी, ठीक है। अब हम आते हैं शेड्यूल वन पैरा टू पे। शेड्यूल वन पैरा टू क्या बोलता है, शेड्यूल वन पैरा टू ये बोलता है, अब ये शेड्यूल वन में जितने भी पैरा हैं ये विदाउट कंसिडरेशन वाले केसेस चल रहे हैं। शेड्यूल वन में जितने भी पैरा हैं वो चारों चार पैरा हैं जिनको चार पॉइंट बोलते हैं, वो विदाउट कंसिडरेशन वाले केसेस चल रहे हैं। इन्होंने बोला कि अगर आपने कोई सामान किसी रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को दिया, अगर आपने कोई सामान किसी रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को दिया, ठीक है, अगर आपने कोई सामान किसी भी रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को दिया फ्री में दिया। अभी रिलेटेड पर्सन क्या होता है और डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, पहले वो सुनना मेरी बात। रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या होता है और डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब ये होता है कि सेम पैन नंबर पे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, सेम पैन नंबर पे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। जैसे आप लोगों को पता होगा कि अगर आप दूसरे दूसरे स्टेट में बिजनेस कर रहे हो, सेम पैन नंबर पे अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। तो सपोज करो
आपका एक बिजनेस है जयपुर के अंदर और एक बिजनेस है दिल्ली के अंदर, दो स्टेट के अंदर आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपको कंपलसरी दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने ही लेने पड़ेंगे, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। दो अगर अलग अलग बिजनेस में, दो अलग अलग स्टेट में बिजनेस कर रहे हो तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेंगे, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। पर अगर आप सेम स्टेट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में एक जगह जयपुर में कर रहे हो, एक जगह अजमेर में कर रहे हो, या फिर महाराष्ट्र में एक जगह पुणे में कर रहे हो, एक दिन मुंबई में कर रहे हो, तो आपका ऑप्शन है, आपके ऊपर चॉइस है कि आप चाहें तो एक रजिस्ट्रेशन से भी काम चला सकते हैं और आप चाहें तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। तो पॉइंट क्या है इन्होंने कि अगर सेम रजिस्ट्रेशन, सेम पैन नंबर पे अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है तो हम उनको क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। सेम पैन नंबर पे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन को क्या बोला जाता है, डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाता है। तो इन्होंने बोला कि अगर आप अपने किसी रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट पर्सन को फ्री में सामान सप्लाई करते हैं तो उस पर भी जीएसटी लगाया जाएगा। सवाल ये आता है कि सपोज करो मैंने किसी रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट पर्सन को, डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब जैसे सपोज करो मेरा एक ब्रांच है मान के चलो दिल्ली में, और दूसरी ब्रांच है एक मेरी मुंबई के अंदर। अब दोनों अलग अलग रजिस्ट्रेशन होंगे पर मालिक तो एक ही है, मैं ही, मेरा ही है दोनों, दिल्ली में भी मेरा ही है मुंबई में भी मेरा ही है, ठीक है, दिल्ली में भी मेरा ही है मुंबई में मेरा ही है। अब दिल्ली वाली जो, दिल्ली में सपोज करो फैक्ट्री है और मुंबई में शोरूम है, अब दिल्ली से सामान गया मुंबई, अब अफकोर्स सी बात है कि दिल्ली से सामान मुंबई फ्री में जाएगा क्योंकि मालिक तो मैं ही हूं। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि दिल्ली वाले ब्रांच से कह रही है, गवर्नमेंट फैक्ट्री से कह रही है कि भैया आप जीएसटी भरो। वो कह रहेगा, वो क्या कह रहा है जी, हमारी ब्रांच है फ्री में दे रहे हैं, किस बात का जीएसटी। गवर्नमेंट कह रही है समझिए एक बार प्रोसीजर है हमारा, आप जीएसटी भरो, मुंबई वाला इस पर आईटीसी क्लेम कर लेगा, क्या दिक्कत है। ऐसे हम, गवर्नमेंट कह रही है हमको कुछ फायदा नहीं हो रहा, भाई मुंबई वाला भी इसको आगे बेचेगा तो मुंबई वाला इस पर आईटीसी क्लेम कर लेगा, पर ये प्रोसीजर है हमारा जिससे भाई जीएसटी में कोई हेरा फेरी ना हो, लोग मैन्यू चीटिंग ना कर लें, जिससे ट्रांजेक्शन की चोरी ना करें। वरना कोई भी इंसान ये कह देगा कि मैं मेरी ब्रांच को सामान फ्री में भेज रहा हूँ जी, पता चला उसकी ब्रांच हुई नहीं, फेक फेक भी हो सकता है ना, कोई फेक बता दे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी ब्रांच को भी भेज रहे हो ना तो भी एक बार जीएसटी दे दो, सामने वाला बंदा आईटीसी क्लेम कर लेगा। सवाल ये आता है कि आप फ्री में किसी को ट्रांसफर कर रहे हो तो किस वैल्यू पे जीएसटी लें, किस वैल्यू पे जीएसटी लें। अरे भैया वो वैल्यूएशन का रूल नंबर 28 बताएगा, वो वैल्यूएशन चैप्टर में जाके पता चलेगा कि किस वैल्यू पे जीएसटी लेना। ठीक है, आया समझ में आपको? ठीक है जी, इससे बस कुछ नहीं, थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होता है, बाकी एज सच कोई नुकसान नहीं होता है। तो अगर आप अपने किसी भी रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई भी सामान सप्लाई करते हो फ्री में तो भी उस केस में गवर्नमेंट जीएसटी लगाती है। अब रिलेटेड पर्सन क्या होता है तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सबसे देखो रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई बाय हार्ट डेफिनेशन याद नहीं करनी, बस आपको देखना ही रहेगा। रिलेटेड पर्सन के केस में इन्होंने क्या बोला है, सच पर्सन आर ऑफिसर ऑब्लिक डायरेक्टर ऑफ वन अदर बिजनेस। आप एक दूसरे के बिजनेस के ऑफिसर या डायरेक्टर हो, अगर आप पार्टनर्स हो किसी पार्टनरशिप फर्म में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हो, आपको कोई थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है, कोई इंसान आपको कंट्रोल कर रहा है, या एक इंसान दो लोगों को कंट्रोल कर रहा है तो तीनों रिलेटेड पर्सन हो गए। ठीक है, एक इंसान दो लोगों को कंट्रोल कर रहा है तो तीनों रिलेटेड पर्सन हो गए। सच पर्सन आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। अब ये फैमिली की डेफिनेशन पता होना चाहिए, बाकी तो नॉर्मल है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पार्टनर्स हो गए, ऑफिसर डायरेक्टर हो गए, कोई एक इंसान दूसरे को कंट्रोल कर रहा है। अब इतना डिटेल में मत जाना कि कैसे कंट्रोल कर रहा है कैसे नहीं कर रहा, इतना डिटेल में नहीं जाने का। वो डीटी के सेक्शन 92A में मत जाना, एसोसिएट एंटरप्राइजेज में बता रखा होता है कि भैया इतने का लोन दे रखा है तो ही कंट्रोल मानेंगे, 26% का ये हो तो ही कंट्रोल, इतना डिटेल में नहीं जाने का यहाँ पे, बस ये इतना पढ़ना है कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है सच पर्सन आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। अब ये फैमिली का मतलब क्या है तो देखिएगा, फैमिली का मतलब ऐसा है कि चिल्ड्रन वाइफ नहीं स्पाउस, हस्बैंड भी हो सकता है, चिल्ड्रन एंड स्पाउस ऑलवेज रिलेटेड, ऑलवेज रिलेटेड, अपने बच्चे और अपना पार्टनर, पार्टनर जिससे शादी हो, लड़की के लिए हस्बैंड और लड़के के लिए वाइफ, वो तो हमेशा रिलेटेड माने ही जाएंगे, चिल्ड्रन एंड स्पाउस ऑलवेज रिलेटेड। ठीक है, और पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ब्रदर या फिर सिस्टर, अगर वो आप पे डिपेंडेंट हो तो ही रिलेटेड माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं। डिपेंडेंट कैसे, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो भाई साहब, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो अगर वो आप पे तो ही रिलेटेड माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं माने जाएंगे। तो रिलेटेड का भी एक बढ़िया सा चार्ट बना रखा था, ऊपर ऊपर देख सकते हो आप, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द पर्सन, इफ डिपेंडेंट ऑन द साइड पर्सन रिलेटेड, इफ नॉट डिपेंडेंट ऑन द साइड पर्सन नॉट रिलेटेड। ठीक है, इस बुक में सब कवर्ड है, तो अगर डिपेंडेंट होंगे तो रिलेटेड अदरवाइज नहीं, और स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑलवेज रिलेटेड। यहाँ पे फैमिली मीन्स लिखा हुआ है, इंक्लूड नहीं लिखा हुआ, मतलब यही है जो है बस। ठीक है, यही है जो है।
ठीक है, समझ में आया आपको इतना? ठीक है जी। तो अगर आप किसी रिलेटेड पर्सन को फ्री में कोई सामान देते हो, जैसे सपोज करो कि या डिस्टिंक्ट पर्सन को, जैसे मान के चलो मेरी मेरी दिल्ली में एक शोरूम है, मुंबई में आउटलेट है, शोरूम से आउट सॉरी फैक्ट्री से सामान गया आउटलेट में, दिल्ली से मुंबई गया, दिल्ली में फैक्ट्री है, मुंबई में आउटलेट है, फैक्ट्री से सामान गया शोरूम में, फ्री में गया, जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया। लेकिन सपोज करो कि मैंने ऐसे ही रास्ते चलते किसी को सामान फ्री में दे दिया, ठीक है, मैंने ऐसे ही रास्ते चलते किसी को सामान फ्री में दे दिया, जैसे मान के चलो कि अमित था, अब अमित की एंगेजमेंट हो गई, अमित का किसका बिजनेस है, अमित का बिजनेस है मोबाइल का, अमित का किसका बिजनेस है, मोबाइल का बिजनेस है, अमित की एंगेजमेंट हो गई, और जिसके साथ एंगेजमेंट हुई ना, मान के चलो अमिता के साथ इसकी क्या हुई, एंगेजमेंट हुई, अब इसने एंगेजमेंट के बाद एक मोबाइल गिफ्ट कर दिया, अब अभी तक तो ये अमिता कौन है, अनरिलेटेड पर्सन ही है, तब तो भैया कोई सप्लाई नहीं माना जाएगा, नो जीएसटी। पर अगर शादी के बाद गिफ्ट करा तो इसको सप्लाई मान लिया जाएगा और इस वाले ट्रांजेक्शन पे जीएसटी देना पड़ेगा, इस वाले ट्रांजेक्शन पे जीएसटी देना पड़ेगा। अच्छा एक बात और बताओ, जैसे मान के चलो अमित ने क्या करा, शादी से पहले ही अमिता को क्या करा, शादी से पहले ही अमिता को एक मोबाइल फोन गिफ्ट कर दिया, अमित की मोबाइल की दुकान है, तो इस पे जीएसटी भी नहीं लगेगा और अमित ने जो मोबाइल फोन परचेज किया होगा कहीं से उस पे आईटीसी भी नहीं मिलेगी अमित। पर अगर शादी के बाद अमित ने क्या किया, गिफ्ट करा अमिता को, शादी के बाद गिफ्ट करा, तो भाई इस पे जीएसटी भी लग जाएगा और इस पे अमित को फिर आईटीसी भी मिल जाएगी। जीएसटी किस वैल्यू पे लगेगा वो वैल्यूएशन रूल बताएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं यहाँ पे ये मानते हुए रिवीजन करवा रहा हूँ कि आपको बाकी चैप्टर्स का भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, इसलिए हल्का फुल्का लिंकेज कर रहा हूँ। मन तो काफी ज्यादा का है लेकिन अभी समय का भी अभाव है और ज्यादा लिंकेज कर भी नहीं सकते, वरना आप लोग सोचोगे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए जी, इतना बहुत है। क्लियर हुआ है, नहीं हुआ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक हमने शेड्यूल वन पैरा वन देख लिया। पैरा वन क्या बोलता था, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन क्लेम, शेड्यूल वन। पैरा टू क्या बोलता था कि अगर आप किसी भी रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई भी सामान फ्री में दे रहे हो, ठीक है, तो भी उस पर जीएसटी लग जाता है। और फिर हमने बोला कि रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं, ऑफिसर, डायरेक्टर, पार्टनर्स हो गए, कोई थर्ड पर्सन आपको कंट्रोल करे या फिर कोई डायरेक्टली आपको कंट्रोल करे या इनडायरेक्टली कंट्रोल करे, और मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। फैमिली के केस में हमने क्या देखा, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑलवेज रिलेटेड, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, अगर वो आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो तो ही रिलेटेड माना जाएगा। तो जीएसटी लॉ के हिसाब से अगर मैं कहूँ, जीएसटी लॉ के हिसाब से कहूँ तो आप अनाथ ही हो, आपका कोई रिलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पाउस और चिल्ड्रन आपके हैं नहीं, मेजोरिटी लोगों के नहीं है, है ना, और पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट, ब्रदर या सिस्टर आपके फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तो इनके हिसाब से आपका आप रिलेटेड आपका कोई रिलेटेड नहीं है। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला केस। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी रिलेटेड पर्सन माने जाते हैं। अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या करता है, गिफ्ट देता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है, तो 50,000 रुपए तक का अगर गिफ्ट देता है साल भर में, ठीक है, अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या करता है, गिफ्ट देता है, 50,000 रुपए का गिफ्ट देता है पर एम्प्लॉय साल भर में, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 50,000 रुपए से ऊपर देता है, 50,000 रुपए से ऊपर देता है गिफ्ट, तो क्या होगा उस केस में, पूरे जैसे 51,000 का गिफ्ट दे दिया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, तो पूरे 51,000 रुपीज पे जीएसटी लगाना पड़ेगा। लेकिन गिफ्ट का मतलब क्या होता है, गिफ्ट का मतलब ये होता है कि वो जो चीज एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी है, गिफ्ट का मतलब क्या होता है, जो चीज जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी है वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए, उनका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करो गिफ्ट क्या होता है कि जो हमको अचानक से मिले और खुशी हो, जैसे होली दिवाली मिल गया या कोई गिफ्ट कार्ड मिल गया हमें, वो गिफ्ट होता है। अब ऑलरेडी आपके उसमें लिखा हुआ है कि जैसे आपको इंसेंटिव मिलेगा अगर आपने इतनी सेल कर दी, तो इंसेंटिव इज नॉट अ गिफ्ट, जो ऑलरेडी आपकी सैलरी का पार्ट है उसको गिफ्ट मत बोलना, गिफ्ट वो होता है जो सैलरी का पार्ट नहीं है। तो अगर 50,000 रुपए का गिफ्ट है तब तो कोई जीएसटी नहीं, 50,000 रुपए से ऊपर है तो पूरे के पूरे अमाउंट पे जीएसटी लग जाएगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं, शेड्यूल वन पैरा थ्री पे हम आ जाते हैं। शेड्यूल वन पैरा थ्री पे आ जाते हैं। शेड्यूल वन पैरा थ्री क्या बोलता है,
शेड्यूल वन पैरा थ्री क्या बोलते हैं ध्यान से सुनिएगा, शेड्यूल वन पैरा थ्री प्रिंसिपल एजेंट वाला इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक केस लेके चल रहा हूं, 5 मिनट में पूरा समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझना, रिविजन है वैसे भी, ज्यादा टाइम नहीं है। सपोज करो एक पर्सन है जो अपने क्लास में एग्जाम्पल लिया था वो ले लेते हैं, जेठालाल करके एक पर्सन है जो प्रिंसिपल है, उसका एक एजेंट है बागा, जेठालाल करके एक पर्सन है जो कि प्रिंसिपल है उसका एक एजेंट है बागा, और जेठालाल ने क्या करा, लेट्स सपोज 1 नवंबर को, 1 नवंबर को जेठालाल ने बागा को बोला कि बागा सुन मैं तेरे को 10,000 मोबाइल फोन दे रहा हूं, 10,000 मोबाइल फोन मैं तेरे को दे रहा हूं, तू इनको बिकवा दे। 1 नवंबर को जेठालाल ने बागा को बोला कि मैं तेरे को 10,000 मोबाइल फोन दे रहा हूं, तू इनको बिकवा दे। तो जाहिर सी बात है कि जेठालाल ने बागा से कोई पैसे तो लिए नहीं होंगे, बागा के पास पैसे भी खाए होंगे, वो तो बागा बेचेगा तो जो पैसा आएगा फिर बेचेंगे, फिर दे देगा जेठालाल को। तो बागा ने क्या करा, लेट्स सपोज 10 नवंबर को एक कस्टमर ढूंढा, 10 नवंबर को एक कस्टमर ढूंढा, मान के चलो कस्टमर का नाम है जी बावरी नाम है कस्टमर, बागा ने क्या करा 10 नवंबर को एक कस्टमर ढूंढा जिसका नाम बावरी था, और बागा ने क्या करा, बावरी को बोला कि जी ये सामान सेठ जी का है, प्रिंसिपल जी का है, जेठालाल जी का है, और बिल बनाया, बिल पे जेठालाल का नाम था, जेठालाल ने अपने साइन किए, काम खत्म। तो ये मुझे बताओ कि भाई अब बावरी ने क्या किया, 10 लाख रुपए दिए और इन्वॉइस जेठालाल ने बनाया, जेठालाल के साइन हुए, तो अब ये जो ट्रांजेक्शन है वो जेठालाल और बावरी के बीच मानी जाएगी, प्रिंसिपल और कस्टमर के बीच में मानी जाएगी, ठीक है, ये जो ट्रांजेक्शन है वो प्रिंसिपल और कस्टमर के बीच माना जाएगा, और ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन माना जाएगा जो कि 7(1)(a) के हिसाब से चारों के चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, वो वाला ट्रांजेक्शन माना जाएगा, ठीक है। इसमें शेड्यूल वन का कोई रोल ही नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन वाली कोई बात ही नहीं है। इस केस में क्या होगा, जितना भी पैसा प्रिंसिपल को मिला कस्टमर से, उस पर प्रिंसिपल क्या करेगा, जीएसटी भर देगा, और एजेंट को लेस सपोज कमीशन मिला, जेठालाल ने बागा को खुशी से 50,000 रुपए का कमीशन दिया, एजेंट को 50,000 रुपीज का कमीशन मिला, तो वो एजेंट का टर्नओवर मान लिया जाएगा 50,000 रुपीज, वो एजेंट का टर्नओवर मान लिया जाएगा। गेटिंग इट अ नॉट, क्लियर है, नहीं है, ठीक है। अब इसको हल्का सा और डिटेल में जाएं, मतलब वैसे टाइम नहीं है बट कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज बावरी ने जेठालाल को 10 लाख रुपीज दिए, जेठालाल ने वो मोबाइल फोन 8 लाख रुपए के खरीदे थे, और जेठालाल ने 50,000 रुपए का कमीशन, 50,000 रुपीज का कमीशन अपने एजेंट को दिया, तो जेठालाल कितने पे जीएसटी देगा, 10 लाख रुपीज का इसका टर्नओवर हुआ, तो 10 लाख रुपीज पे जेठालाल जीएसटी दे देगा, 8 लाख रुपीज किसके पास, आईटीसी पड़ी होगी, ठीक है। अब बागा अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो बागा ने क्या किया होगा, बागा ने 50,000 रुपीज पे जीएसटी दिया होगा एजेंट ने, और इस 50,000 रुपीज का आईटीसी किसको मिल जाएगा, जेठालाल को मिल जाएगा, तो नेट जेठालाल पे कितने का जीएसटी लगेगा, 1.5 लाख रुपीज का वैल्यू एडिशन होता है, इतने पे जीएसटी दे देगा जेठालाल, ठीक है, क्लियर है, सॉर्टेड है, ठीक है। दूसरा केस, अब हुआ क्या कि जो प्रिंसिपल था हमारा, प्रिंसिपल ने सामान दिया एजेंट को, लेट्स सपोज 1 नवंबर को प्रिंसिपल ने सामान दे दिया कि भाई तू ये 10,000 मोबाइल फोन बिकवा दे, ऐसा प्रिंसिपल ने क्या बोला अपने एजेंट को बोला, ऐसा प्रिंसिपल ने क्या बोला अपने एजेंट को बोला, और एजेंट ने क्या करा, एक कस्टमर ढूंढा, कस्टमर कब ढूंढा, 10 नवंबर को कस्टमर ढूंढा एजेंट ने, इस वाले केस में कस्टमर कब ढूंढा क्या था, इस वाले केस में कस्टमर 10 नवंबर को ढूंढा था, तो सप्लाई भी 10 नवंबर की मानी थी पहले वाले केस में, ये माना गया था कि ट्रांजेक्शन प्रिंसिपल और कस्टमर के बीच में ही है, और जिस दिन कस्टमर मिला, जिस दिन कस्टमर ने पैसे दिए, वही सप्लाई की डेट मानी गई 10 नवंबर। अब इस वाले केस में क्या हुआ, जो बागा है ना वो कस्टमर को क्या कर रहा है, अपने नाम से इनवॉइस व्यू कर रहा है, जो एजेंट है वो खुद के नाम से इनवॉइस बना के आगे सामान दे रहा है, खुद के नाम से इनवॉइस बना रहा है एजेंट, तब उस केस में क्या माना जाएगा, देखो कस्टमर को सामान मिला, कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर को हमने सामान दिया, कस्टमर से पैसा ले लिया, बागा ने क्या किया 10 लाख रुपीज ले लिया कस्टमर से, एक बिल बनाया, खुद के साइन किए, ये दिखाया कि भाई यही माल इसी का ही सामान है, दिखाया यही कि मतलब कि इसी के पास अथॉरिटी है, ऐसा दिखाया है, ठीक है। तो अब ये ट्रांजेक्शन एज पर लॉ माना जाएगा कि बागा और कस्टमर के बीच में हो गया, एजेंट और कस्टमर के बीच में ट्रांजेक्शन हो गया। अगर हम बुक्स के हिसाब से बात करें तो बुक्स के हिसाब से क्या हुआ कि सामान बागा का सामान था जो कि बिक गया, पर ओरिजिनली तो था प्रिंसिपल का सामान। अब प्रिंसिपल कह रहा है कि भाई मेरा सामान वैसे देखा जाए तो बिक गया, पर बुक्स के हिसाब से तो मेरा सामान बिका ही नहीं क्योंकि वो सेल तो एजेंट की हुई, वो सेल तो एजेंट की हुई। अब भाई इस केस में क्या होगा, बागा को जो कस्टमर से पैसा मिला, एजेंट को जो कस्टमर से पैसा मिला वो एजेंट के टर्नओवर में काउंट कर लेंगे, एजेंट को जो प्रिंसिपल से कमीशन मिला वो भी इसके टर्नओवर में काउंट कर लेंगे,
पर प्रिंसिपल को दिक्कत किस बात से है कि भैया मेरा सामान तो बुक बिका ही नहीं बुक्स में, तो लॉ मेकर ने क्या बोला कि जो सामान आपने 1 नवंबर को इसको फ्री में दिया था ना विदाउट कंसिडरेशन, अब हम उसी को सप्लाई मान लेंगे एज पर शेड्यूल 1 पैरा 3। विदाउट कंसिडरेशन हम इसको सप्लाई मान लेंगे, अब क्या होगा इससे, अगर हम इसको सप्लाई मान लेंगे तो अब इनडायरेक्टली एजेंट ओनर बन जाएगा और एजेंट फिर अपना सामान कस्टमर को दे देगा। ठीक है, समझ में आया। अब सवाल ये आता है कि प्रिंसिपल ने सामान तो बागा को फ्री में दिया था, अब डिपार्टमेंट कह रहा है शेड्यूल 1 पैरा 3 के हिसाब से जीएसटी लगाओ, जीएसटी किस वैल्यू पे लगाएं, तो वो वैल्यूएशन चैप्टर का रूल नंबर 29 बताएगा कि किस वैल्यू पे जीएसटी लगाना है। ठीक है, वो वैल्यूएशन का रूल नंबर 29 बताएगा। ठीक है, लेट्स सपोज रूल नंबर 29 क्या बताता है कि 9 लाख रुपीज पे क्या लगाओ, जीएसटी लगाओ। लेट्स सपोज रूल नंबर 29 क्या बताता है, 9 लाख रुपीज पे जीएसटी लगाओ, और प्रिंसिपल ने ये सामान परचेज किया था 8 लाख रुपीज में और 50,000 रुपए का कमीशन दिया था एजेंट को, अब प्रिंसिपल कितने पे जीएसटी देगा, आप देखना 9 लाख रुपीज वैल्यू निकल के आई एज पर रूल 29 की, 9 लाख रुपीज पे प्रिंसिपल को जीएसटी देना है, 8 लाख रुपीज की क्रेडिट मिल जाएगी और 50,000 रुपए का जो खर्चा किया उसकी भी क्रेडिट मिल जाएगी, तो नेट 50,000 रुपए पे जीएसटी दे देगा प्रिंसिपल। एजेंट को कितने पे जीएसटी देना है, 10 लाख रुपए जो कस्टमर से मिला वो और 50,000 रुपए जो कमीशन मिला वो, तो 10.5 लाख रुपीज पे एजेंट देगा जीएसटी। और ये वाला जो एजेंट होता है ना, इसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ता है, इसको थ्रेशोल्ड का बेनिफिट नहीं मिलता, ये आप रजिस्ट्रेशन चैप्टर में देखोगे सेक्शन नंबर 24 के अंदर, एक अपने शॉर्ट फॉर्म पढ़ी थी सेनोरिटा सेक्शन नंबर 24 के अंदर। ठीक है, तो जो भी क्लास वाले बच्चों को रिकॉल हो रहा होगा, नहीं आपको आपने नहीं देखा कोई बात नहीं, आप भूल जाओ जो मैं अभी बोला। अब जो एजेंट है उसको 10.5 लाख रुपीज पे जीएसटी देना पड़ा होगा, अब उसकी क्रेडिट कितने मिलेगी एजेंट को, जितने भी प्रिंसिपल ने जीएसटी दिया होगा 9 लाख रुपीज पे, 9 लाख रुपए की क्रेडिट किसको मिल जाएगी, एजेंट को मिल जाएगी, और 1.5 लाख रुपीज पे जीएसटी कौन देगा, एजेंट दे देगा। ठीक है, समझ में आया। एजेंट भी कई तरह के होते हैं, प्योर एजेंट, सोल एजेंट। सोल एजेंट देखो, सोल एजेंट को तो हम रिलेटेड पर्सन ही मानते हैं, सोल एजेंट को तो हम रिलेटेड पर्सन ही मानते हैं। अगर आप रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन देखोगे ना, उसमें लास्ट लास्ट में लिखा हुआ है सोल एजेंट। सोल एजेंट कौन होता है, जो सिर्फ ही आपका ही एजेंट है और किसी का नहीं, आप ही का ही है, वो आप ही के लिए काम करता है। और जो शेड्यूल 1 पैरा 3 में एजेंट है, वो ऐसा नहीं है कि आप ही के लिए करता है, वो किसी के लिए भी कर सकता है, नॉर्मल एजेंट है वो। ठीक है, सोल एजेंट सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। अपने क्लास में एग्जांपल भी दिया था कि भैया तुम किसी को सोल एजेंट समझ रहे हो, तो पता कर लेना कि वो नॉर्मल एजेंट की सोल एजेंट है, वो रूल 29 वाला एजेंट है, रूल 28 वाला एजेंट है, वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर दिया था मैंने एग्जांपल आपको। ठीक है, वफादार एजेंट, सोल एजेंट, वो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आता है, नॉर्मल एजेंट रूल नंबर 29 में आता है। ठीक है, नॉर्मल एजेंट को कमीशन मिलता है। चलो जी, तो अब इसके केस में डिसाइडिंग फैक्टर क्या हुआ कि कैसे पता चलेगा कि ये एजेंट शेड्यूल 1 पैरा 3 वाला एजेंट है या नहीं, अगर एजेंट खुद के नाम पे इनवॉइस बना के आगे सामान दे रहा है, अगर एजेंट खुद के नाम पे इनवॉइस बना रहा है, तो जो ट्रांजेक्शन प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में हुआ, जो सामान प्रिंसिपल ने एजेंट को फ्री में दिया, उसको हम सप्लाई मान लेंगे क्योंकि एजेंट खुद के नाम पे इनवॉइस बना के आगे सामान दे रहा है। तो अगर इनवॉइस प्रिंसिपल एजेंट के नाम पे बन रहा है तो फॉल अंडर शेड्यूल 1 पैरा 3, और अगर इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे ही बन रहा है तब तो वो नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो ही गया ना, उस केस में शेड्यूल 1 पैरा 3 की क्या जरूरत पड़ी। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर हो गया, ये क्या हो गया, डिसाइडिंग फैक्टर हो गया। समझ में आया नहीं आया आपको, इतनी चीज क्लियर हुई नहीं हुई। अब इस पर एक सर्कुलर भी था, डेल क्रेडिटर एजेंट, डेल क्रेडिटर एजेंट का क्या सर्कुलर, ध्यान से सुनना आप मेरी बात। डेल क्रेडिटर एजेंट, डेल क्रेडिटर एजेंट का मतलब क्या होता है देखना, डेल क्रेडिटर एजेंट वो होता है जो प्रिंसिपल को बोलता है कि मालिक कस्टमर पैसा दे या नहीं दे आप उसकी चिंता मत करो, पैसा मैं आपको दूंगा। अगर कस्टमर कल को पैसा देने से मुकर भी जाए ना, तो बैड डेट की जिम्मेदारी मेरी होगी, बैड डेट की जिम्मेदारी मेरी होगी, उसको बोलते हैं हम डेल क्रेडिटर एजेंट। इसका जनरली कमीशन थोड़ा ज्यादा रहता है डेल क्रेडिटर एजेंट का। अब दो केसेस फिर से ले लेते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1 यह है कि प्रिंसिपल ने सामान दिया एजेंट को और एजेंट ने सामान दिया कस्टमर को। और केस समझाने से पहले मैं आपको एक एंट्री याद दिला देता हूं जो एग्जेम्पशन चैप्टर के अंदर आती है, अगर आपने एग्जेम्पशन चैप्टर नहीं पढ़ा तो इसको एक मिनट के लिए याद रख लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, ये जीएसटी के हिसाब से एग्जेम्पशन चैप्टर के अंदर एग्जेम्प्ट है कि अगर आप कोई बैंक में पैसा जमा कराते हो उसका कोई आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, या आप बैंक से लोन लेते हो और अगर आप इंटरेस्ट वगैरह देते हो तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, ठीक है जी। तो अब केस क्या है, केस ऐसा है
और ये केस पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार कंपोजिट और मिक्स सप्लाई भी पढ़ा देता हूं। कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई अपन इसी चैप्टर में आगे देखोगे नोट्स में आप, तो हम सेक्शन नंबर 8 बोलते हैं। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई का मतलब क्या होता है ध्यान से समझना। कंपोजिट सप्लाई वो होती है दो या दो से ज्यादा अगर आप कोई टैक्सेबल सप्लाई करते हो जो कि नेचुरली बंडल्ड हो, जैसे होटल के साथ ब्रेकफास्ट, लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग, मोबाइल के साथ चार्जर, आईफोन वाले दूर हो जाओ, ठीक है, तो जो साथ में आता ही आता है, जिसका कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, साथ में मिलेगा आपको, जनरली साथ में देखने को मिलता है, उसको हम कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। तो कंपोजिट सप्लाई केस में क्या होता है कि एक ट्रांजेक्शन के ऊपर दूसरा ट्रांजेक्शन डिपेंडेंट है, लैपटॉप बैग अकेला नहीं, जनरली लैपटॉप के साथ ही लेते हैं, ठीक है। होटल के अंदर ब्रेकफास्ट तो हम तभी जनरली लेते हैं जब होटल में हमने स्टे कर रखा हो, तो साथ में आते हैं, तो दूसरी ट्रांजेक्शन इसलिए हो रही है क्योंकि पहली हुई, पहली नहीं होती तो दूसरी भी नहीं होती, ठीक है। तो टीवी के साथ टीवी का स्टैंड हो गया, ठीक है, तो टीवी का स्टैंड तभी ले रहे हैं कि टीवी खरीद रहे हैं, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि एक प्रिंसिपल सप्लाई होती है और एक सेकेंडरी सप्लाई होती है। तो क्या होता है टोटल वैल्यू पे जो प्रिंसिपल की रेट है ना उसी से जीएसटी लगता है। सपोज करो लैपटॉप 50,000 रुपीज का था और लैपटॉप पे जीएसटी की रेट है 18%, लैपटॉप बैग 2,000 रुपए का था, लैपटॉप बैग पे रेट है 5%, पर पूरे 52,000 पे जो रेट लगेगी ना वो 18% ही लगेगी। अब चाहे लैपटॉप बैग पे 28 होती तो भी 18 ही लगती है। तो टोटल वैल्यू पे प्रिंसिपल की रेट से रेट लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। सेक्शन 8 से 3 बार आईसीआर ने केस स्टडी पूछी है 8-8 नंबर की, जितना तुम लाइटली ले रहे हो ना इसको कंपोजिट मिक्स उतना है नहीं, अभी बताता हूं क्या केस स्टडी पूछी थी। तो कंपोजिट सप्लाई तुमको समझ में आया कि दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई जो कि नेचुरली बंडल्ड हो तो टोटल वैल्यू पे प्रिंसिपल वैल्यू की रेट से टैक्स लगता है। अब हम आते हैं मिक्स सप्लाई पे। मिक्स सप्लाई क्या बोलता है, मिक्स सप्लाई का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया, जैसे आप शादी में किसी दोस्त को गिफ्ट देने गए तो उसमें बहुत सारे आपने चीजें डाल दी, जैसे डाले चॉकलेट डाल दी, फ्रूट्स डाल दिए, फ्रूटी डाल दी है ना, स्ट्रॉबेरी डाल दी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के वेफर डाल दिए है ना, बहुत सारी चीजें आपने डाल दी, जो अनटशंट कॉम्बो बना दिया आपने। अब मार्केट में ऐसा कॉम्बो मिलता है बाजार से, मार्केट में क्या मिलता है कॉम्बो मिलता है ऐसा, तो अगर आप बाजार में कोई ऐसा सामान लेने गए जो एक बास्केट टाइप में बना हुआ रखा हुआ है, ठीक है, बास्केट टाइप में बना हुआ रखा है, उसका एक सिंगल प्राइस चार्ज कर रहा है वो बंदा, सिंगल प्राइस चार्ज कर रहा है पूरे पैकेट के कि भैया पूरा पैकेट ले जाओ 10,000 रुपए का। अब उसमें बुद्धि मत लगाओ कि कौन सा सामान कितने रुपए का, पूरा पैकेट 10,000 रुपए का है, तो उस केस में क्या होगा, अगर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स दे रखे हैं लेकिन सबका एक सिंगल प्राइस ही दे रखा है, तो उस केस में जिस भी सामान की हाईएस्ट टैक्स रेट होगी ना, सपोज करो 10,000 के इस बंडल में 10 सामान है, एक का रेट अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 5,000 है, एक का रेट 2,000 है, एक का रेट 500 है, एक का रेट 100 रुपए है, एक का 50 रुपए है, ऐसे ऐसे खूब सारे सामान दे रखे हैं, तो जिस भी सामान की हाईएस्ट रेट होगी मान के चलो इन सबकी 5 है, किसी की 5 है, किसी की 12 है, किसी की 12 है, इसकी 28 है 50 रुपए वाले की, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई 50 रुपए का सामान ही है, टोटल वैल्यू पे हाईएस्ट रेट से टैक्स लगेगा, टोटल वैल्यू पे हाईएस्ट रेट से टैक्स लगेगा। तो मिक्स सप्लाई क्या होता है कि सिंगल प्राइस दे रखी हो उस केस में पूरे पैकेट पे जो सबसे ज्यादा आइटम, सबसे ज्यादा रेट वाला आइटम है ना, जिस आइटम पे सबसे ज्यादा जीएसटी की रेट है उस पे हम क्या कर देंगे, पूरे पे टैक्स लगा देंगे, उसको बोलते हैं मिक्स सप्लाई। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपको 5 आइटम दे दिए, 5ों की अलग अलग वैल्यू दे दी कि ये 1,000 का है इस पे जीएसटी की रेट है 18%, ये 500 का है इस पे जीएसटी की रेट है 12%, ये 2,000 का है इस पे जीएसटी की रेट है 5%, ऐसे अलग अलग आइटम दे दिए, अलग अलग रेट दे दी, तो ये मिक्स सप्लाई थोड़ी हुआ भाई। आप डीमार्ट से शॉपिंग करने गए, एक सामान 1,000 का था, एक 500 का था, एक 2,000 का था, तो इंडिविजुअल सामान पे इंडिविजुअल जीएसटी जो दे के आएंगे, मिक्स सप्लाई तब आता है जब इंडिविजुअल वैल्यू नहीं दे रखी हो, एक सिंगल प्राइस दे रखी हो, अगर सिंगल प्राइस दे रखी हो तब मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट आता है, उस केस में हम हाईएस्ट रेट लगाते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं हाईएस्ट रेट लगाते हैं, पर इंडिविजुअल प्राइसेस इंडिविजुअल वैल्यू दे रखी है तो काई का मिक्स सप्लाई। समझ में आया आपको, क्लियर हुआ कंपोजिटर मिक्स सप्लाई, ठीक है जी। अब हम वापस इस सर्कुलर पे आते हैं, वापस इसमें इस सर्कुलर पे आते हैं। अब ये सर्कुलर क्या बोलता है, प्रिंसिपल केस नंबर 1, प्रिंसिपल ने सामान दिया एजेंट को और एजेंट ने कस्टमर को दे दिया, पर एजेंट ने जो इनवॉइस बनाया ना वो प्रिंसिपल के नाम पे बनाया, तो अब ये सप्लाई प्रिंसिपल और कस्टमर के बीच में मानी जाएगी, ठीक है। अब ये सप्लाई क्या मानी जाएगी, प्रिंसिपल और कस्टमर के बीच मानी जाएगी, ठीक है। पहले केस दूसरा लेते हैं फिर बेटर समझ में आएगा। पहला केस हम ये अज्यूम करते हैं कि एजेंट ने क्या किया, इनवॉइस खुद के नाम पे बनाया है, ओन इनवॉइस, ओन नेम, इनवॉइस जो बनाया है वो खुद के नेम पे बनाया है, इनवॉइस जो बनाया ना वो खुद के नेम पे बनाया है, कस्टमर ने ओन नेम खुद के नाम पे इनवॉइस बनाया है, तो अब ये ट्रांजेक्शन एजेंट और कस्टमर के बीच माना जाएगा,
कस्टमर ने 10 लाख रुपीज दिए एजेंट को, और एज पर शेड्यूल 1 पैरा 3 प्रिंसिपल ने जो सामान एजेंट को फ्री में दिया उसको भी हम सप्लाई मान लेंगे, डीम सप्लाई, भले ही वो विदाउट कंसिडरेशन है लेकिन इसको फिर भी सप्लाई मान लेंगे एज पर शेड्यूल 1 पैरा 3। कस्टमर ने, जैसे एजेंट कौन था, बागा, कस्टमर थी बावरी, ये दो हमने नाम लिए हैं लोगों के, लेट्स सपोज एजेंट का नाम था बागा और कस्टमर का नाम था बावरी। कस्टमर से 10 लाख रुपए लेने थे तो एजेंट ने क्या बोला, आप आराम से दे दीजिएगा। अब कस्टमर पैसा दे ही नहीं रहा, ठीक है, प्रिंसिपल कह रहा है और कर ले मुझे, और प्रिंसिपल कह रहा है देख भाई तू डेलीगेट एजेंट है, अब कस्टमर चाहे पैसा दे या नहीं दे तू मेरे को पैसा देगा। लेकिन एजेंट ने कहा बिल्कुल मैं दूंगा आपको। अब एजेंट कस्टमर को क्या कह रहा है कि देखो अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो इस पैसे को एज अ लोन ट्रीट करते हैं और आप मेरे को इंटरेस्ट भी देना, आप मेरे को इंटरेस्ट भी देना। तो अब एजेंट को क्या मिल रहा है, 10 लाख रुपए का तो टर्नओवर था एजेंट का, अब एजेंट को इंटरेस्ट भी मिल रहा है। सवाल ये आता है कि ये जो इंटरेस्ट कस्टमर दे रहा है एजेंट को, इस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, इस इंटरेस्ट पे जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आंसर इज यस कि लगना चाहिए, क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई हो गई भाई, ये इंटरेस्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि ओरिजिनल ट्रांजेक्शन हुआ था, ओरिजिनल ट्रांजेक्शन नहीं होता तो इंटरेस्ट भी नहीं होता, तो ये कंपोजिट सप्लाई होगा और उस इंटरेस्ट पे जीएसटी लगेगा। केस नंबर टू क्या है, केस नंबर टू ऐसा है कि प्रिंसिपल ने सामान दिया एजेंट को और एजेंट ने कस्टमर को दिया, लेकिन जो इनवॉइस बनाया ना एजेंट ने वो प्रिंसिपल के नाम पे ही बनाया, इनवॉइस जो बनाया वो प्रिंसिपल के नाम पे बनाया, तो अब ये सप्लाई किसके बीच में हुई, प्रिंसिपल और कस्टमर के बीच में सप्लाई हुई। अब ये शेड्यूल 1 पैरा 3 वाला एजेंट नहीं है क्योंकि ये खुद के नाम पे इनवॉइस बना ही नहीं रहा है, तो सप्लाई हुई प्रिंसिपल और कस्टमर के बीच में, ठीक है जी। अब कस्टमर पैसा दे नहीं रहा तो प्रिंसिपल एजेंट को बोल रहा है कि भाई तू डेलीगेटर एजेंट है, पैसा तो तू देगा। एजेंट ने कहा ठीक है। अब एजेंट देखो, ओरिजिनल जो सप्लाई हुई है वो एजेंट और कस्टमर के बीच नहीं हुई, ओरिजिनल सप्लाई प्रिंसिपल और कस्टमर के बीच में हुई है, मालिक और कस्टमर के बीच में हुई है। पर एजेंट पता है कस्टमर को क्या बोलेगा, देखो जी आपने पैसा तो दिया नहीं मालिक को, तो मालिक को तो पैसा मैंने दे दिया, अब जो पैसा आपको देना है ना वो आप विद इंटरेस्ट दोगे मेरे को, अब आपको मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देखो ओरिजिनल ट्रांजेक्शन प्रिंसिपल और कस्टमर के बीच में हुआ है, ओरिजिनल सेल एजेंट और कस्टमर के बीच में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनवॉइस एजेंट ने खुद के नाम पे नहीं बनाया, एजेंट प्रिंसिपल के नाम पे, इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे बनाया, पर एजेंट को इंटरेस्ट मिल रहा है। अब भाई ये जो इंटरेस्ट है ना ये एक सेपरेट ट्रांजेक्शन हो गया, ये जो इंटरेस्ट का ट्रांजेक्शन है ये एजेंट और कस्टमर के बीच में हुआ है। अगर ओरिजिनल सेल भी एजेंट और कस्टमर के बीच में होती तब तो ये मान लेते कि भाई ये इंटरेस्ट उस कारण से मिला है, ओरिजिनल सेल के कारण, पर ओरिजिनल सेल तो दूसरे ट्रांजेक्शन था, ओरिजिनल सेल का ट्रांजेक्शन तो कस्टमर और प्रिंसिपल के बीच में था, तो वो जो ओरिजिनल सेल थी वो दूसरा ट्रांजेक्शन है, अब जो इंटरेस्ट मिल रहा है एजेंट को वो दूसरा ट्रांजेक्शन है। भाई पार्टीज तो अलग अलग होंगी ना ट्रांजेक्शन की, कंपोजिट सप्लाई जो बनता है वो सेम पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करते हो तभी तो बनता है, लैपटॉप जिससे लिया उसी के साथ लैपटॉप बैग ले रहे हो तभी तो कंपोजिट सप्लाई बनता है, जिस होटल में रुके वहीं ब्रेकफास्ट करो तभी तो कंपोजिट बनेगा। तो जब ओरिजिनल ट्रांजेक्शन एजेंट और कस्टमर के बीच का था तो उसका इंटरेस्ट भी कंपोजिट बना, अब ओरिजिनल ट्रांजेक्शन ही जब प्रिंसिपल और कस्टमर के बीच का है तो इसका इंटरेस्ट फिर सेपरेट ट्रांजेक्शन माना जाएगा, और ये माना जाएगा अब इंटरेस्ट एक सेपरेट ट्रांजेक्शन है, और खाली इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन अगर इंटरेस्ट का है तो वो एग्जम्प्ट माना जाएगा, तो वो एग्जम्प्ट माना जाएगा। समझ में आया क्या आपको, यही बात इसमें दे रखी है कि अगर डेलीगेटर एजेंट कौन है, पैरा थ्री वाला एजेंट नहीं है, मतलब ओरिजिनल ट्रांजेक्शन प्रिंसिपल और एजेंट, प्रिंसिपल और कस्टमर के बीच में है, पैरा थ्री वाला एजेंट नहीं है तो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, पर अगर डेलीगेटर एजेंट पैरा थ्री वाला एजेंट है तो अब इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, इंसिडेंटल सप्लाई मान लिया जाएगा और इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अंदर सब कुछ कवर्ड है इस बुक के अंदर, ठीक है जी, क्लियर हुआ। शेड्यूल 1 पैरा 3, तो शेड्यूल 1 पैरा 1 क्या बोलता है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। शेड्यूल 1 पैरा 2 क्या बोलता है, अगर आप रिलेटेड पर्सन एग्जिस्टिंग पर्सन को कोई भी सामान फ्री में सप्लाई करोगे तो उस पर जीएसटी लगेगा। पैरा 3 क्या बोलता है, अगर एजेंट खुद के नाम पे इनवॉइस बना के आगे सामान बेचेगा तो जो सामान प्रिंसिपल ने एजेंट को फ्री में दिया है उसको भी सप्लाई मान लेंगे। अब हम शेड्यूल 1 पैरा 4 पे आते हैं। शेड्यूल 1 पैरा 4 क्या बोलता है, शेड्यूल 1 पैरा 4 क्या बोलता है, ये बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो 7(1)(b) के अंदर भी था, तो यहां क्या करने आ रहा है, और 7(1)(b) के अंदर इंपोर्ट ऑफ सर्विस में पता है क्या था, सारी की सारी कंडीशन मैच होनी चाहिए एक्सेप्ट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और यहां पे शेड्यूल 1 पैरा 4 में अगर ये आ रहा है, शेड्यूल 1 पैरा 4 में आ रहा है, इसका मतलब आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए कि ये विदाउट कंसिडरेशन वाला होगा, क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन वाला ही तो यही आता है शेड्यूल 1 पैरा 4 में, ठीक है।
वन पैरा फोर में ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाना चाहिए कि विदाउट कंसिडरेशन वाला ट्रांजेक्शन होगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब सुनना मेरी बात, इन्होंने क्या बोला कि अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट करते हो अपने किसी रिलेटेड पर्सन से, रिलेटेड या डिस्टिंग पर्सन से फ्री में, ऑफकोर्स सी बात है शेड्यूल वन में है तो फ्री में ही है, तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट करते हो रिलेटेड पर्सन से फ्री में और अपने कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए, मतलब अपने धंधे के लिए, यहाँ पे कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हमको रिसीवर का देखना है, इंपोर्ट के केस में रिसीवर का देखना है, सप्लायर का नहीं देखना। अगर आप कोई इंपोर्ट और सर्विस करते हो किसी रिलेटेड पर्सन से और अपने कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए फ्री में, तो हम क्या मान लेंगे, हम उसको सप्लायर मान लेंगे। अगर आप अपने रिलेटेड पर्सन से करते हो प्लस कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए करते हो, तब इंपोर्ट का ही मास्टर चार्ट है, इसको देख लेना। इंपोर्ट और सर्विस से बहुत बार इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछे हैं, जिसको 7(1)(b) और शेड्यूल 1 पैरा 1 को मैंने एक साथ डाल दिया है, वो देखना आप। इंपोर्ट और सर्विस अगर विद कंसिडरेशन है तो ऑलवेज सप्लायर माना जाएगा, अगर पैसा इन्वॉल्व है तो कोई से भी लिया हो, हमने किसी से भी लिया हो, विद कंसिडरेशन है ऑलवेज सप्लायर, चाहे वो कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हो या नहीं हो। अगर कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए तो 7(1)(a) में आ जाएगा, नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो 7(1)(b) में आ जाएगा, पर अगर विद कंसिडरेशन है तो ऑलवेज सप्लाई। अगर आप जहां पर भी जाके देख सकते हो, देखो जो नीचे नीचे हमने टेबल बनाई है, 7(1)(a) 7(1)(b) इंपोर्ट और सर्विस अगर आपने की विद कंसिडरेशन है, सॉरी 7(1)(a) हमने क्या बोला, विद कंसिडरेशन है तो ऑलवेज सप्लाई, चाहे वो कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो चाहे वो नहीं हो। अगर है तो 7(1)(a) के हिसाब से सप्लाई है, अगर नहीं है तो 7(1)(b) के हिसाब से सप्लाई, विद कंसिडरेशन ऑलवेज सप्लाई, ठीक है। और अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो एक ही केस में सप्लाई माना जाएगा, रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट करियो प्लस कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए इंपोर्ट करियो तो ही सप्लाई मानेंगे। ये चार्ट के बाहर अगर क्वेश्चन पूछ ले तो मतलब पूछ ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है, कुछ बनता ही नहीं। इंपोर्ट और सर्विस पे 2 से 3 बार केस स्टडी बनी 8-8 नंबर की, कॉन्सेप्ट समझो। तो रिलेटेड विद कंसिडरेशन ऑलवेज सप्लाई, विदाउट कंसिडरेशन एक ही केस में सप्लाई है, बाकी किसी भी केस में सप्लाई नहीं है। कौन सा केस है, रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट करियो प्लस कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए इंपोर्ट करियो। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि जैसे मैं हूं AKG, मैं इंडिया में रहता हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा भाई US के अंदर रहता है, पढ़ता है, इंजीनियरिंग कर रहा है, लेट्स उसकी कॉलेज की फीस मैं भरता हूं, मतलब वो मेरे पे डिपेंडेंट है। 4th ईयर के अंदर है, मैंने उसको कहा कि भाई तू अपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज मेरे को दे दे, मेरे को एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, तू अपने इंजीनियरिंग सर्विस दे दे मेरे को, अपने बिजनेस के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाना है। फ्री में उसने मेरे को सॉफ्टवेयर बना के दिया, क्या ये सप्लाई है, नहीं है। देखो सप्लाई से पता चलता है कि GST लेवी होगा या नहीं, GST लेवी तो हो गया, लेकिन बीच में एक एग्जम्पशन चैप्टर भी आ जाता है। सप्लाई है पर बीच में एग्जम्पशन आ गया तो GST का कलेक्शन नहीं होगा। जैसे मान के चलो इनकम तो है लेकिन डिडक्शन मिल गई तो फिर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरीके से सप्लाई चैप्टर बताता है कि GST लेवी होगा कि नहीं। तो अभी हम सप्लाई पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि GST मिलेगा नहीं, अभी हम पढ़ रहे हैं सप्लाई है बस, ठीक है। बाकी चीज एग्जम्पशन चैप्टर बताएगा। तो मैंने मेरे भाई से क्या किया, फ्री में सॉफ्टवेयर लिया। भाई कौन है, मेरा रिलेटेड पर्सन है क्योंकि वो मेरे पे डिपेंडेंट है, प्लस मैंने अपने बिजनेस के लिए लिया है और विदाउट कंसिडरेशन लिया है, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए है, तो सप्लाई है। मान के चलो मेरे भाई की नौकरी लग गई, अब वो जॉब करने लग गया US में, अब वो मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, अब मैंने उससे फ्री में सॉफ्टवेयर बनाया तो भाई अब वो मेरा रिलेटेड रहा ही नहीं, मतलब ही लॉ है हमारा लॉ तो रिलेटेड या अनरिलेटेड डिपेंडेंसी पे है, ठीक है। तो अब वो मेरा रिलेटेड रहा ही नहीं, ठीक है। अगर वो मेरा रिलेटेड रहा ही नहीं तो फिर GST मिलेगा। देखो विद कंसिडरेशन ऑलवेज GST, विदाउट कंसिडरेशन एक ही केस में GST लगता है, रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट करो प्लस कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए इंपोर्ट करो। क्लियर है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल हैं, ये दो एग्जांपल हैं, इनको पॉज करके आप रीड कर लो, पॉज करके रीड कर लो दोनों एग्जांपल्स को सभी लोग, ठीक है। बड़ी एग्जांपल है, और जो लाइव वाले हैं वो घर जाके देख लेना, पेज नंबर 2.10 पे है। और जिनको जिनके पास किताब नहीं है वो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिनको किताब लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा हो, गूगल फॉर्म से ले लेना, बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने शेड्यूल 1 पूरा देख लिया। देखो सप्लाई के अंदर हमने क्या देखा, सेक्शन नंबर 7 सप्लाई की बात करता है, सप्लाई कब होगा।
7(1)(a) के अंदर चार कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन और इन द कोर्स ऑफ अटेंस ऑफ बिजनेस। 7(1)(b) बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में, अगर आपने कोई सर्विस इंपोर्ट करी और कोर्स ऑफ अटेंस ऑफ बिजनेस नहीं भी है, विद कंसिडरेशन इंपोर्ट करी है पर कोर्स ऑफ अटेंस ऑफ बिजनेस नहीं भी है तो भी चलेगा। और 7(1)(c) क्या बोलता है, शेड्यूल 1 जिसको हम बोलते हैं 7(1)(c) को, जिसके अंदर चार ऐसे ट्रांजेक्शन दे रखे हैं जहां पे कंसिडरेशन नहीं है तो भी सप्लाई माना है, जिनको हमने पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4 बोला है। और पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4 चारों के बारे में डिटेल में पढ़ लिया, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पैरा 3 और पैरा 4 है। अगर इस चैप्टर के हिसाब से मैं बताऊं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप शेड्यूल 1 को थोड़ा फोकस करिएगा, सेक्शन नंबर 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई पे फोकस करिएगा, इंपोर्ट और सर्विस का जो एकदम मास्टर चार्ट था उस पर फोकस करिएगा, ठीक है। अब एक सर्कुलर आता है प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 8 क्या बोलता है, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, ठीक है। एक सर्कुलर आता है प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट वाला, तो कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई का सर्कुलर है। ये सर्कुलर क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए, प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट वाला ये सर्कुलर ऐसा बोलता है, जैसे मान के चलो कि मैंने अपनी पीडीएफ किसको दी, हमारे प्रिंटर को दे दी, और मैंने कहा भैया जी आप इस पर किताब छाप दो, कागज भी उसका, छापना भी काम उसका, दोनों ही काम उसके हैं, ठीक है। अब कागज लगाना सप्लाई ऑफ गुड्स है, छापना सप्लाई ऑफ सर्विस है, अब है कंपोजिट सप्लाई क्योंकि दोनों काम साथ में ही होते हैं, नेचुरली हर बार ही ऐसे होते हैं, तब इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माने या सर्विस, तो इसमें मेन एलिमेंट क्या माने, कागज को माने या छापने को माने, ठीक है। प्रीडोमिनेंट एलिमेंट देखना पड़ेगा, तो कीवर्ड क्या हो गया इसके अंदर, आपको एग्जाम में आंसर लिखते टाइम, जैसे क्लास में अपन हर क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आपको होता है कीवर्ड, तो उसके इस वाले सर्कुलर में कीवर्ड क्या था, अगर आप जो भी रेगुलर या फास्टर वाले बच्चे को याद रहा, प्रीडोमिनेंट एलिमेंट क्या था, प्रीडोमिनेंट एलिमेंट क्या था, तो आपको प्रीडोमिनेंट एलिमेंट देखना पड़ेगा कंपोजिट सप्लाई में। अब जैसे अगर हम किताब छपवा रहे हैं तो उसमें आप मेरी किताब कागज के लिए नहीं खरीद रहे, आप मेरी किताब कंटेंट के लिए खरीद रहे हो, क्या कंटेंट है, तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, गुड्स को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी गई, इसमें कंटेंट को प्रायोरिटी दी गई, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो पूरे अमाउंट पे अब सर्विस की रेट से टैक्स लगेगा, पर अगर मान के चलो कि मैं बाजार से एक नैपकिन खरीद रहा हूँ, टिश्यू पेपर खरीद रहा हूँ, तो वहां पे कागज से ही मतलब है भाई, टिश्यू पेपर 100 रुपए का भी आता है, 10 रुपए का भी आता है, 500 रुपए का भी आता है, तो इसमें क्वालिटी में कागज में जो डिफरेंस होगा और क्या होगा, कागज में जो डिफरेंस होगा, ठीक है। तो हम वो उस चीज को कागज के लिए खरीदते हैं, पैसा ज्यादा कागज के लिए देते हैं। इसी तरीके से मैथमेटिक्स की एक बुक आती थी आरडी शर्मा सर की, एक आती थी पीके घर, मान के चलो इमेजिन करते हैं, वैसे दोनों ही बहुत रेपुटेड बुक है। अब आरडी शर्मा सर की बुक मान के चलो 600 रुपए में आती है, पीके घर सर की बुक 800 रुपए में आती है, या पीके घर सर की बुक मान के चलो 400 रुपए में आती है, फिर भी बच्चे आरडी शर्मा खरीद रहे हैं। मान के चलो आरडी शर्मा में पेज कम है, फिर भी ये 600 रुपए की बिक्री है, क्योंकि वो पेजेस के लिए नहीं बिक रही है, वो कंटेंट के लिए बिक रही है, पर नैपकिन अपनी क्वालिटी के लिए बिक रहा है। तो वहां पे प्रीडोमिनेंट एलिमेंट सप्लाई ऑफ गुड्स है। शादी का कार्ड आया, अब शादी के कार्ड में कंटेंट कोई मैटर नहीं करता है, एक कार्ड 500 रुपए का बनता है, 100 रुपए का बनता है, कार्ड की क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी मतलब उसका कार्डबोर्ड कैसा है ना, वो सब मैटर करता है, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ठीक है। तो वो अपन को प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट वाले सर्कुलर में लिखा हुआ है, ठीक है जी, क्लियर है नहीं है ना, अपने प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट वाला सर्कुलर देखा। शेड्यूल 2 क्या बोलता है, शेड्यूल 1 हमने देख लिया, शेड्यूल 2 क्या बोलता है कि गुड्स माने या सर्विस, ये कैसे पता चलेगा, तो वैसे कोई काम का नहीं है, पर आप खुद को पता चल जाता है क्या गुड्स है क्या सर्विस, लेकिन इसमें भी जो इंपॉर्टेंट बातें वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने किसी को गुड्स का टाइटल दे दिया, ले भाई 10 रुपए दे और पेन ले ले, सप्लाई ऑफ गुड्स। मैंने किसी को बोला कि भाई तू मेरे को 10 रुपए दे दे, कल पेन ले जाना, फ्यूचर डेट पे टाइटल मिलेगा तेरे को, तो भी सप्लाई ऑफ गुड्स, 10 रुपए आज ले लिए, पेन कल दूंगा, ठीक है। राइट ऑब्लिक अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन दैम, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अपन एग्जाम्पल लिया था कि कॉलोनी में चार लोग खेल रहे हैं, चार बच्चे खेल रहे थे, कौन, रेनू, सुरभि, दिव्या और खेल रहा था जतिन, ये चारों खेल रहे थे क्रिकेट। इन चारों ने एक 250 रुपीज मिला के एक बैट परचेज किया, सबका शेयर है उस बैट में, 250 रुपए ईच मिलाए, बैट ले आए, ठीक है। अब इनकी गली में आया प्रतीक, प्रतीक ने देखा कि जतिन कैसे खेल रहा है इन तीनों के साथ, प्रतीक ने कहा मैं खेलूंगा, जतिन को हटाया, बोला मैं खेलूंगा। अब इनकी लड़ाई करवा दी इन तीनों के साथ जतिन की, अब जतिन इनके ग्रुप से बाहर हो गया। अब जतिन कह रहा है कि भाई बैट में मेरा राइट भी था, 250 रुपए मेरे भी लगे थे, तो प्रतीक ने कहा तू मेरे से ले ले 250 रुपए, तो जतिन ने अब अपना राइट बेच दिया। प्रतीक कह रहा भाई तेरे को इस चीज की चिंता नहीं है, तू ग्रुप से लग हो गया, 250 रुपए की चिंता कर, तू 300 ले ले मेरे से दे। तो प्रतीक ने क्या किया, 300 रुपए दे दिए जतिन को, तू तेरा राइट मेरे को दे दे बैट में। तो आप किसी अनडिवाइडेड गुड्स में, अब बैट क्या है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, राइट देना, बैट थोड़ी दे दिया, अपना राइट दे दिया,
बैट तोड़ नहीं सकते, अनडिवाइडेड शेयर दे दिया, उसको हम क्या मानते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है। लीज, ईजमेंट, टिनेंसी, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। अब टिनेंसी क्या होता है, ईजमेंट क्या होता है, टिनेंसी पे आ जाते हैं एक बार। टेनेंसी क्या होता है, टेनेंसी पे भी एक सर्कुलर है। देखो मान के चलो एक प्रॉपर्टी है, मेरी एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर मैंने वो प्रॉपर्टी दे रखी है, मान के चलो स्वाति को दे रखी है। स्वाति मेरे को पर मंथ रेंट देती है 1 लाख रुपीज का। अब रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्यूलिंग, अगर आप रहने के लिए घर कोई लेते हो तो वो एग्जम्प्ट होता है जीएसटी के अंदर, एग्जम्पशन चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे, आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, रेंटिंग पे भी बहुत काफी चर्चा है, ठीक है, पर वो उस चैप्टर में मैं आपको बता दूंगा उसके रिविजन वीडियो में। ठीक, स्वाति मेरे को 1 लाख रुपए पर मंथ रेंट देती है, वो कि जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। लेकिन अब ये घर किसको पसंद आ गया, मान के चलो ये घर पसंद आ गया आपको, रूपल को ये घर पसंद आ गया। रूपल ने क्या बोला स्वाति को कि अब इस घर पे राइट मेरे को चाहिए, इस घर पे राइट मेरे को चाहिए। स्वाति ने कहा ठीक है, अब से तेरा राइट हुआ इस घर पे, लेकिन तेरे को मेरे को 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे राइट ट्रांसफर करने के लिए, राइट देने के लिए 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या कर रही है, स्वाति अपना राइट रूपल को दे रही है और उसके बदले रूपल पैसा दे रही है स्वाति को 10 लाख रुपीज। अब रूपल मेरे को रेंट देगी 1 लाख, तो देखो मेरे को जो पहले रेंट मिल रहा था वो पहले स्वाति दे रही थी, अब रूपल देगी। मेरे लिए तो रेंट एग्जम्प्ट है, रेंट जीएसटी से एग्जम्प्ट है, लेकिन अब जो टिनेंसी राइट, जो स्वाति को पैसे मिले ना रूपल से 10 लाख रुपए, उस पर स्वाति 10 लाख रुपीज पे क्या देगी, जीएसटी देगी। टिनेंसी राइट पे क्या लगता है, जीएसटी लग जाता है। ठीक है, जो अब टिनेंसी राइट पे जो टैक्स लगेगा वो सप्लाई ऑफ गुड्स का है, सर्विस का। जाहिर सी बात है गुड्स कहां से आ गए, इसमें सर्विस ही तो है ये, तो टिनेंसी पे क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। एक सर्कुलर भी है, सेल ऑफ टिनेंसी राइट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्लियर है, नहीं है, क्लियर है। अगर आपने कोई भी बिल्डिंग वगैरह लीज पे दी उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स, देखना सुनना मेरी बात, जॉब वर्क वाला काम है। जैसे मान के चलो हमने क्या बोला था, क्लास में एग्जांपल लिया था, मान के चलो अंकित है, अंकित फर्नीचर्स, अंकित फर्नीचर क्या कर रहा है जी, अंकित फर्नीचर बेड बनाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, अंकित के पास कौन आया, जतिन आया कि भाई मेरी शादी है तू बढ़िया सा बेड बना दे। अंकित बेड बना के अगर देगा जतिन को, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, अब बेड बना दिया अंकित ने, जतिन को बेड पसंद आया, जतिन ने कहा भैया एक काम करो, आपको मेरी शादी में जरूर आना है, और शादी का कार्ड भी पकड़ा दिया और शादी में लिखा हुआ था कार्ड पे जतिन वेड्स अंकिता। अब अंकिता वही थी जो अंकित की कभी पुरानी सहेली रही थी, फ्रेंड रही थी, अंकित को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई बिल्कुल। अब जतिन ने क्या बोला अंकित को कि अंकित भाई बेड तो बहुत सुंदर बनाया है, अब आप इस पर डेकोरेशन भी कर दो, थोड़ी पेंटिंग वेंटिंग भी करवा दो, एकदम मस्त बना दो, मजा आ जाए, है ना। अब अंकित से वो डेकोरेशन करी नहीं जा रही, अंकित से देखा नहीं जा रहा कि मैं किसके बेड के लिए डेकोरेशन कर रहा हूँ। अंकित ने क्या करा, अंकित ने एक जॉब वर्कर ढूंढा, अंकित ने बोला कि भैया, प्रतीक को बुलाया, बोला कि देखो ये बेड है, बेड हमारी प्रॉपर्टी है, इस बेड पे आपको क्या करना है, डिजाइन बनानी है, थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा डेकोरेशन करनी है, वो आप कर दीजिएगा। तो किसी और के गुड्स पे प्रतीक क्या कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, जॉब वर्कर वाला काम कर रहा है, तो प्रतीक को जो पैसा मिलेगा वो सप्लाई ऑफ सर्विस का पैसा मिलेगा। प्रतीक कोई गुड्स नहीं दे रहा है, प्रतीक तो उसी पे कोई ट्रीटमेंट कर रहा है, इसको हम क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। क्लियर है, नहीं है, मेरे ख्याल से आपको याद आ गई होंगी चीजें, इस एग्जांपल से सारी की सारी क्लास की मेमोरीज ताजा हो गई होंगी, और जिन्होंने क्लास वगैरह नहीं देखी तो मेरे ख्याल से आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो एक बार सब लोग लाइक ठोक देना। वापस से अपन एक और पॉइंट पढ़ते हैं, ये तो अपना एग्जाम्पल हमने देख लिया, आगे क्या लिखा हुआ है। अगर आप अपना कोई गुड्स या गुड्स यूज करने के लिए देते हो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लेके, फॉर एग्जाम्पल मान के चल लेते हैं, वही हॉस्टल वाला एग्जाम्पल लिया था अपने क्लास में, हॉस्टल वाला एग्जाम्पल क्या लिया था, जैसे मान के चलिए अमित जी जो हैं वो स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं सीए फाइनल में, और बिजनेस भी करते हैं, कोई बिजनेस भी करते हैं, आत्मनिर्भर हैं, बिजनेस करते हैं अपना, और बिजनेस का इन्होंने जीएसटी नंबर ले रखा है, और इनके पास एक लैपटॉप परचेज किया हुआ है उन्होंने, और उस लैपटॉप पे क्या किया है इन्होंने, आईटीसी भी क्लेम करी हुई है, क्योंकि क्या है भैया, ये लैपटॉप इनका बिजनेस असेट है। हॉस्टल में रहते हैं, इनके साथ इनके दो दोस्त और रहते हैं जिनका नाम है प्रकाश और जतिन, दो दोस्त और रहते हैं इनके, प्रकाश और जतिन करके दो दोस्त और रहते हैं। अब प्रकाश आया 11:30 बजे थे भैया, बोला अमित भाई लैपटॉप दे दो प्लीज, बस थोड़ी सी देर के लिए लैपटॉप दे दो, बहुत जरूरी है। अमित ने इसकी मजबूरी का फायदा उठाया और अमित ने क्या करा, 500 रुपये चार्ज कर लिए इस लैपटॉप के, जिसपे अमित आईटीसी क्लेम कर चुका है बिजनेस पे। तो ये जो 500 रुपये अमित ने चार्ज करे प्रकाश से, ठीक है,
₹500 जो अमित ने चार्ज करे प्रकाश से, इसको भी सप्लाई और सर्विस माना गया, और गवर्नमेंट ने कहा ये जो आपने धंधा शुरू किया है अपने बिजनेस असेट पे, इससे आप जो भी कमाई कर रहे हो वो सप्लाई और सर्विस। अब क्या हुआ, 2 मिनट बाद प्रकाश आया, बोला ले लो भाई अमित जी लैपटॉप ले लो आप। अब अमित को लगा कि भाई प्रकाश ने जो 2 मिनट की शॉर्ट मूवी देखी यूट्यूब पे, वो शॉर्ट मूवी मैं भी देखूंगा मेरे ही लैपटॉप पे। लैपटॉप अमित का, जिसपे अमित ITC क्लेम कर चुका, और अमित उसको अब बिजनेस यूज में नहीं ले रहा, अपने किसी पर्सनल यूज में ले रहा है, अपने किसी पर्सनल यूज में ले रहा है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि जितनी देर अमित ने अपने इसको पर्सनल काम में लिया उसका भी प्रोपोर्शनेट करो, ऑल्दो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कोई करता नहीं है पर ऐसा लिखा हुआ है। कल को मान के चलो अमित ने क्या करा, वो लैपटॉप सड़क पर फेंक दिया, किसी को दान दे दिया या बेच दिया, लैपटॉप ही बेच दिया, तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। अब तो वो भैया गुड्स ही बिक गया पूरा का पूरा, पर किसी उस लैपटॉप से पैसा कमाया तो सप्लाई ऑफ सर्विस। यही बात लिखी हुई है लैपटॉप ही चल बसा मान के चलो तो सप्लाई ऑफ गुड्स, बाकी सप्लाई ऑफ सर्विस। बिजनेस बंद कर दिया, लैपटॉप ही गया, बिजनेस ही बंद कर दिया, तो ITC रिवर्स करनी पड़ेगी, बिजनेस बंद कर दिया तो सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है जी, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दी, सप्लाई ऑफ सर्विस। आपने क्या किया, किसी को कोई कॉपीराइट दिया, अपना कोई इंटेंजिबल असेट दी, पेटेंट दिया, उसके बदले में कोई पैसा मिलाया, पैसा मिला आपको, सप्लाई ऑफ सर्विस। आपने क्या किया, आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते थे, ठीक है। अब जैसे आपने इन्फोसिस है, इन्फोसिस को आपने बोला कि मेरे लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन करो जिसमें ये चीजें हो। अब इन्फोसिस आपके लिए कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रही है, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन आप बाजार गए, टैली की CD खरीद लाए, तो वो ऑलरेडी बना हुआ एक प्रोडक्ट रखा हुआ है जो मार्केट में बिक रहा है, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। CD खरीद लाए, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, सॉफ्टवेयर की CD खरीद लाए। आपके हिसाब से कस्टमाइज नहीं है वो, आपके हिसाब से डिजाइन नहीं है, आप अपने हिसाब से डिजाइन करवा रहे हो, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, और नॉर्मली आप खरीद के ला रहे हो, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। अगला पॉइंट ये आता है, ठीक है, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट, इस पे पूरा का पूरा सर्कुलर है लिक्विडेटेड डैमेज करके। ध्यान से सुनिएगा उस सर्कुलर को, आपको दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें। पहली चीज है एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और टू डू एन एक्ट। चलिए अब इस सर्कुलर पे वापस आ जाते हैं, बस हार्डली 10 से 15 मिनट का चैप्टर बच रहा है, बिल्कुल सही स्पीड से चले थे अपन, जितना सोचा था उतने टाइम में हो जाएगा। क्लैरिफिकेशन ऑन GST एप्लीकेबिलिटी ऑन लिक्विडेटेड डैमेजेस, पहले इस पे आते हैं। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, हमने किसी को बोला कि आप ऐसा काम मत करो, इसके बदले हम आपको इतना पैसा देंगे, आप मत करो ऐसा काम, ठीक है। जैसे हमने किसी एक प्रिंसिपल ने अपने आर्टिकल को बोला कि तू CA फॉर्म मत खोल, 20 लाख रुपए ले ले, एग्रीमेंट हो गया 20 लाख रुपए, जिसको कंसिडरेशन में भी हमने देखा, तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है और इस पर GST लगेगा, ठीक है। एक स्कूल है, मैं वही एग्जांपल दूंगा जो GST काउंसिल के सर्कुलर में आए थे, और इन्हीं यही अगर एग्जाम में आए तो यही एग्जांपल आएंगे, इसके बाहर ICAI कुछ पूछ ले, ICAI पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि ICAI को खुद कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ये जो सर्कुलर है अपने आप में ऐसे 100% नहीं है सर्कुलर, अभी भी इसमें कुछ बातें हैं जो अधूरी हैं, तो जितना है उतना पढ़िए बस, डिटेल में नहीं जाने का, ठीक है। डिटेल में जाएंगे, डिटेल में ICAI भी नहीं जा सकता इस सर्कुलर के, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कैसे। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, किसी चीज को नहीं करने के लिए हम पैसा दे रहे हैं, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। मान के चलो एक स्कूल है, रेजिडेंशियल सोसाइटी में, कॉलोनी में एक स्कूल खुला हुआ है। अब सोसाइटी वाले लोगों को बड़ी तकलीफ होती है स्कूल से, सुबह सुबह 7 बजे जनगणमन बज जाता है, लोगों को सोते सोते खड़ा होना पड़ रहा है ये बेड से, बड़ी तकलीफ हो रही है। कोई भी बच्चे कॉलोनी के आगे घंटी बजा के चले जा रहे हैं, सभी लोग मिलके स्कूल के पास गए और बोला ये स्कूल बंद करना पड़ेगा, हम कंप्लेन कर देंगे, हम आपकी कंप्लेन करेंगे। स्कूल वालों ने कहा सुबह सुबह मिठाई खिलाते हैं सबको, सब लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा दे दिया, बोला आप हमारी कंप्लेन मत करो, एग्रीमेंट हो गया, आप हमारे स्कूल को यहां चलने दो। टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, एग्रीमेंट हो गया, उसको हम क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट, टॉलरेट एक्ट करना मतलब, लेट्स सपोज मैकडी का एक फ्रेंचाइजी था, मैकडी के बाहर एक चाउमीन वाला है, वो कह रहा है कि भैया मैं चाउमीन का स्टॉल लगाना चाहता हूँ। मैकडी के बाहर कौन है, चाउमीन वाला है, वो कह रहा है मैं चाउमीन का स्टॉल लगाना चाहता हूँ, मैं आपको पर मंथ 30,000 रुपीज दूंगा। मैकडी उसको टॉलरेट कर रहा है, 30,000 रुपए ले रहा है उससे, पर उसको टॉलरेट कर रहा है, एग्रीमेंट हो गया। उसको लगता है कि मैकडी के कस्टमर बाहर आएंगे बर्गर खा के, तो फिर चाउमीन भी खा लेंगे,
तो क्या हो गया, ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, सपोज करो कि आपकी सोसाइटी में एक इंडस्ट्री खुल गई थोड़ी सी दूर, आप उसके पास गए कि इंडस्ट्री कैसे खुलती, यहाँ पे धुआं ही धुआं आ रहा है, बच्चों के लंग्स में धुआं जा रहा है। उसने अपना परमिशन दिखाई कि देखो मेरे को सरकार ने परमिशन दी है इसलिए खोलिए मैंने, अब बताओ क्या करोगे? आपने कहा देखो भैया आपकी बात सही है, सरकार ने दे दी परमिशन, गलती थी। अब है ना, एक काम करो, आप एक जीरो एमिशन मशीन लगवाओ जिससे पॉल्यूशन ना निकले उस मशीन से, पैसा हम सब मिलके आपको दे देते हैं, आप हमसे प्लीज 10 लाख रुपए ले लो, लेकिन आप प्लीज अपना ट्रीटमेंट ऐसा कर लो जिससे पॉल्यूशन कम से कम हो। तो एग्रीमेंट हो गया कि भैया वो क्या करेगा, फैक्ट्री वाला लोगों से पैसा लेगा और फिर अपना जुगाड़ करेगा जिससे पॉल्यूशन कम से कम हो, तो एग्रीमेंट हो गया। तो क्या बोले, इसको भी सप्लाई माना गया है, इसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया, ठीक है। अब एक सर्कुलर है जिसके अंदर बोला कि लिक्विडेटेड डैमेजेस, अगर एग्जाम में लिखा आ जाए कि लिक्विडेटेड डैमेजेस वर्ड, ठीक है, एग्जाम में लिखा आ जाए लिक्विडेटेड डैमेजेस, तो लिक्विडेटेड डैमेजेस पे जीएसटी नहीं लगता। लिक्विडेटेड डैमेजेस पे गवर्नमेंट जीएसटी क्यों नहीं लगा रही, ध्यान से समझना। उन्होंने बोला लिक्विडेटेड डैमेजेस होते क्या है, देखो कोई चीज ना करने के बदले कुछ पैसे देना, जैसे मान के चलो मैंने एक बिल्डर को बोला कि भैया देखो एक साल में घर बना दो आप, है ना, एक साल में घर बना दो। बिल्डर के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट था कि 1 करोड़ रुपए मैं बिल्डर को दूंगा, ठीक है। अच्छा, बिल्डर को 1 करोड़ रुपए देना, वो तो उसको पता है क्या बोलते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, वर्क कॉन्ट्रैक्ट। कंपोजिटर मिक्स सप्लाई पे इसी में क्लेरिफिकेशन था वर्क कॉन्ट्रैक्ट का भी। सपोज करो मैं किसी को बिल्डर को पैसा दे रहा हूँ या किसी कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ मेरा घर बना दे, माल भी तेरा, मेटेरियल भी तेरा, सर्विस भी तेरी बनाने की। अब इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माने या सप्लाई ऑफ सर्विस, लॉ में लिखा हुआ है कि इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है। सपोज करो मैंने उसको 1 करोड़ रुपए दिए कॉन्ट्रैक्टर को, तू मेरा घर बना, मान के चलो गुड्स 90 लाख के लग रहे हैं, सर्विस 10 लाख की है, तो भी वो पूरा का पूरा 1 करोड़ सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट को हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानना है, रेस्टोरेंट को और वर्क कॉन्ट्रैक्ट को सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानना है। और बाकी कोई भी कंपोजिट सप्लाई का केस हो तो आपको प्रीडोमिनेंट एलिमेंट देखना पड़ेगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस, बाकी केस में आपको प्रीडोमिनेंट एलिमेंट देखना पड़ेगा, ये हमने इस चार्ट में दे रखा है। तो रेस्टोरेंट ऑब्लिक आउटडोर केटरिंग ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस, अदर कंपोजिट सप्लाई एज पर सेक्शन 8, वहां पे आपको प्रीडोमिनेंट एलिमेंट देखना पड़ेगा। तो अब हम कहां पे थे, लिक्विडेटेड डैमेजेस पे थे। अब लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या कह रहा है, देखो मैंने बिल्डर को बोला कि भैया एक साल में घर बना के दे दो, अब उसने नहीं दिया तो मैंने उसके ऊपर 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी, तो उस पेनल्टी पे कोई जीएसटी नहीं लगाया। गवर्नमेंट कह रही है कि आपका मेन जो एसेंस था ना, मेन जो काम था, आपने पेनल्टी इसलिए लगाई जिससे ओरिजिनल काम टाइम पे हो जाए, इसलिए डराने के लिए लगाई उसको पेनल्टी। आप कभी नहीं चाहते थे कि पेनल्टी लगे, आप कभी भी ये नहीं चाहते थे कि आपका घर लेट बने और आपको पेनल्टी लगानी पड़े, आपका दिल नहीं चाहता था वो, पर लगानी पड़ी। तो मेन हमारा ओरिजिनल पर्पस वो नहीं था, ओरिजिनल पर्पस ये नहीं था कि पेनल्टी से पैसा कमाएं, नहीं। तो इस पे कोई, इसको कोई सप्लाई नहीं माना, लिक्विडेटेड डैमेज को कोई सप्लाई नहीं माना, ठीक है। सपोज करो गवर्नमेंट जैसे नीलामी करती है, ऑक्शन करती है, ऑक्शन में सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो गवर्नमेंट सबसे कुछ एडवांस अमाउंट जमा करवा लेती है कि भैया जो लोग भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको एक एडवांस अमाउंट देना पड़ेगा। फिर जिस भी इंसान की बिल लगती है फाइनली, तो गवर्नमेंट बोलती है कि सपोज करो 50 लाख रुपए का कोई ऑक्शन था, 50 लाख रुपए कोई प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट ने 2 लाख रुपए एडवांस ले लिए। अब गवर्नमेंट बोलेगी जिसकी भी बिल लगेगी कि भैया 48 लाख रुपीज दे, अब वो कह रहा है मैं नहीं दे रहा, बिल लगा के पीछे हट गया, तो अब ये गवर्नमेंट 2 लाख रुपीज का अमाउंट फोरफिट कर लेगी, फोरफीचर ऑफ अननेस्ट मनी। तो उसको भी सप्लाई नहीं माना, क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है भैया हमारा इरादा कभी था ही नहीं ऐसा कि भैया ये बंदा पैसा नहीं दे, हम तो चाहते थे कि तू पैसा दे, अब तू गद्दार निकला तो क्या करें। इसको भी लिक्विडेटेड डैमेजेस, अगर डायरेक्टली लिखा हुआ क्वेश्चन में कि लिक्विडेटेड डैमेजेस, तो उसको सप्लाई, बाकी डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ हो तो जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसके बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है, ठीक है, उसको तोड़ दिया, ठीक है। अगला पॉइंट क्या आता है, जैसे सपोज करो हमारा शरद अग्रवाल था, ठीक है, अब शरद को किसी ने बोला कि शरद देर इज नोबडी एट माई प्लेस टूडे, तो साथ में मूवी देखते हैं। अब शरद किसी के साथ पिक्चर देख रहा था, अब जिसके घर पे पिक्चर देख रहा था उसके घर पे बैल बजी ट्रिंग ट्रिंग, गेट खोला तो भाई जिसके भी घर पे पिक्चर देख रहा था उसके पिताजी आए हुए थे। पिताजी ने कहा कि शरद ये ले 50 लाख रुपए और आज के बाद शक्ल मत दिखाना, भूल जा कि ये कौन है। शरद ने कहा ओके मैं नहीं जानता दीदी कौन है।
50 लाख रुपए जो शरद को मिले क्या वो सप्लाई है? अरे नहीं भैया, कोई एग्रीमेंट थोड़ी हुआ था कि ये आएगा, मूवी देख रहा होगा, फिर उसके पिताजी आएंगे 50 लाख रुपए देंगे। इट इज जस्ट मेयर फ्लो ऑफ मनी। अगर आप कोई भी इंजरी या डैमेज पूरा करने के बदले में कोई भी पेनल्टी या कोई भी पैसा दिया जाता है, इट इज जस्ट मेयर फ्लो ऑफ मनी। उनके पिताजी के दिल पे चोट लगी थी इसलिए आपको पैसे दे दिए, दूसरी बार से आप दिखो नहीं। इट इज जस्ट मेयर फ्लो ऑफ मनी। आप रस्ते चलते किसी की गाड़ी ठोक दिए और आप उसको 10,000 रुपए दे रहे हो कि भैया देख 10,000 रुपए ले और निकल फटाफट। इट इज जस्ट मेयर फ्लो ऑफ मनी। कभी भी इस चीज को प्रमोट थोड़ी करेंगे कि गाड़ी ठोक दो और पैसा ले लो। आपने कोई लॉ तोड़ दिया, आपने किसी का मर्डर कर दिया और कोर्ट ने आपके ऊपर 1,00,000 रुपए की पेनल्टी लगा दी, तो उस पर GST लगा के गवर्नमेंट ये थोड़ी प्रमोट करना चाहती है कि आप मर्डर करो और खूब पेनल्टी लगाओ। नहीं, ऐसी चीजों को थोड़ी प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। पे कोई GST नहीं लगेगा, इस कोई सप्लाई नहीं है। बहुत सारे कोर्ट के जजमेंट्स का सर्कुलर बनाया गया है और अपने आप में अभी भी मेरे ख्याल से पूरा नहीं है। ये अलग अलग जजमेंट्स को अलग अलग एग्जाम्पल बना के पेश कर दिया आपके सामने बस। ठीक है, समझ पा रहे हो आप मेरी बात, क्या सीन चल रहा है? आपने चेक लगाया था बैंक में, चेक डिसऑनर हो गया और चेक डिसऑनर चार्जेस लगाए गए आप पे। इट इज नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स तो होगा ही नहीं। इट इज नॉट सप्लाई, सप्लाई ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी ये नहीं चाहते थे कि चेक डिसऑनर हो, बाउंस हो। इट इज जस्ट पेनल्टी लगाई गई आप पे, इट इज जस्ट टू कॉम्पनसेट समथिंग और कुछ नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। अच्छा, पॉइंट ये आता है, मान के चलो ओरिजिनल ट्रांजेक्शन पे आपने पेमेंट नहीं किया, आपको 10,00,000 रुपए किसी को पे करना चाहिए था लेकिन उसने आपको पेमेंट नहीं किया, और अब आपने क्या किया, डिले पेमेंट के ऊपर पेनल्टी लगाई या इंटरेस्ट लगाया, उसका क्या करें? तो अगर ओरिजिनल ट्रांजेक्शन के ऊपर GST लग रहा है तो भैया ये तो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट हो गया, तो इसके ऊपर भी GST लगेगा। अब जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको डिले पेमेंट के ऊपर, आप ये वैल्यूएशन चैप्टर में भी देखेंगे हम, अगर किसी पर्सन ने लेट पेमेंट किया और उसके कारण इंटरेस्ट ले रहा है, दैट इज सप्लाई। तो जितने केसेस हैं बस उतने ही पढ़ लो। ठीक है, कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट था, मान के चलो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जल्दी निकाल दिया। ठीक है, जल्दी निकाल दिया, जल्दी निकालने के बदले में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 3,00,000 रुपए दे दिए कि भैया तेरे को चल जल्दी निकाल रहे नौकरी से, 3,00,000 रुपए ले और निकल, इस पे कोई GST नहीं लगेगा। एम्प्लॉय ने जल्दी छोड़ दिया बॉन्ड, कई कंपनियां बॉन्ड भरवाती हैं, बॉन्ड तोड़ दिया एम्प्लॉय ने कि भाई 3 साल मिनिमम रुकना था, इसने छोड़ दिया पहले ही, बॉन्ड तोड़ने के पैसे दिए, उस पर भी कोई GST नहीं है। ठीक है, उस पर भी कोई GST नहीं। तो अलग अलग एग्जाम्पल है, लेकिन इस एग्जाम्पल में एक अमाउंट टैक्सेबल भी है, कौन सा, बस वही ध्यान में रखना है, उलझना नहीं है। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर लीज फॉर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मे स्टिपुलेट दैट लेसी शैल नॉट टर्मिनेट द लीज। अब ये कोई कोर्ट का जजमेंट था तो उन्होंने कहा कि भैया ये टैक्सेबल है। जैसे आपने किसी को बोला कि हम 15 साल की लीज में आ जाते हैं, 20 साल की लीज, सपोज करो 20 साल की लीज में आ गए, कोई जमीन आपने मेरे को दे दी, अब मैं आपको 20 साल तक पैसा दूंगा, हर साल 10,00,000 रुपए लीज मनी, और मैं 20 साल के लिए आपके साथ बंध गया, पर मैंने 2 साल बाद ही 3 साल बाद ही एग्रीमेंट तोड़ दिया और मैंने आपको भारी, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में जनरली बहुत भारी अमाउंट की पेनल्टी होती है, और फिर मैंने पेनल्टी पे करी तो गवर्नमेंट ने कहा भैया इस केस में इस पेनल्टी को भी टैक्स लगाया। क्योंकि देखो मेन असेंस क्या है, अगर मेन, अब इस वाले केस में क्या है, पेनल्टी बहुत ज्यादा अमाउंट की होती है जनरली, प्रैक्टिकली इन केसेस में पेनल्टी बहुत ज्यादा अमाउंट की होती है, तो सामने वाले को बोलता है ठीक है भैया लीज से इनकम नहीं आ रही तो तू पेनल्टी दे दे, तो कोर्ट का जजमेंट था कि भैया ये टैक्सेबल है। तो अगर ये वाला केस आ जाए लीज वाला तो आपको टैक्स लगा के आना है। अब आप बोलोगे ऐसे तो कोई सा भी केस आ सकता है, नहीं यही केसेस आएंगे, बस ये वाला केस आ जाए तो टैक्सेबल है। अगर गवर्नमेंट ने एडवांस का पैसा रोक लिया, जैसे बिल लगाई आपने, तो नॉट टैक्सेबल हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टी लेट बनी, डिले कंस्ट्रक्शन हुआ, नॉट टैक्सेबल हो गया। ठीक है, ये सब नॉट टैक्सेबल हो गए, समझ रहे हो मेरी बात? चेक डिसऑनर हो गया, नॉट टैक्सेबल हो गया, लॉ तोड़ा आपने, नॉट टैक्सेबल हो गया, फोर फीचर ऑफ सैलरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला केस है ना, बॉन्ड तोड़ा आपने, कोई टैक्सेबल नहीं हुआ। ये सब आपको देखना पड़ेगा, मतलब इतना ही ध्यान में रखना, डिटेल में नहीं जाना। आगे आता है कैंसिलेशन चार्जेस। कैंसिलेशन चार्जेस मतलब जैसे मान के चलो आपने फ्लाइट की टिकट बुक कराया, 10,000 रुपए का फ्लाइट का टिकट था, अब उस पर GST देगी फ्लाइट कंपनी, पर आपने टिकट कैंसिल करा लिया और फ्लाइट कंपनी आपको 7,000 रुपीज का रिफंड कर रही है, 3,000 रुपए अपने पास रख रही है। अब देखो अगर 10,000 रुपए अगर आप फ्लाइट में चले जाते तो पूरे 10,000 पे GST लगता,
आप नहीं गए, 7,000 का रिफंड आ गया, 3,000 रुपये अभी भी जीएसटी लगेगा। होटल होटल आपने बुक कराया 10,000 रुपीज़ का, फिर आपका प्लान चेंज हो गया, बोले आज नहीं चल पाएंगे, जितना रिफंड आया वो ठीक है, बचे हुए अमाउंट पे होटल जीएसटी देगा, ठीक है, उस पर जीएसटी देगा क्योंकि वो इनकम हो गई अब उसकी, ठीक है। ये हमने देखा लाइट के केस में क्या आता है, जैसे लाइट का इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है ना वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट होता है। तो अगर मान के चलो हमने बिल जमा नहीं कराया और बिल के ऊपर लेट पेमेंट लग गया, तो भैया जब ओरिजिनल ट्रांजेक्शन पे जीएसटी नहीं है तो उसके लेट पेमेंट पे भी जीएसटी नहीं होगा। लाइट का बिल दो कंपोनेंट में आता है, फिक्स चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस। फिक्स उतना इतना पैसा तो आएगा ही आएगा, और वेरिएबल चार्जेस मतलब डिपेंडिंग अपॉन योर कंजम्पशन। तो ना तो फिक्स चार्जेस पे जीएसटी लगेगा, ना ही वेरिएबल चार्जेस पे जीएसटी लगेगा, ना ही फिक्स चार्जेस पे जीएसटी लगेगा, ना ही वेरिएबल चार्जेस पे जीएसटी, ठीक है, आया समझ में आपको। तो ये केस दे रखे हैं। रेलवे का टिकट बुक कराया आपने, टिकट कैंसिल करा दिया, एसी का टिकट था आपका जिस पे जीएसटी लगता है, अब जितना भी अमाउंट रेलवे रिफंड कर देगा वो ठीक है, बचे हुए पे रेलवे जीएसटी जमा कराएगा, ठीक है। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सेल ऑफ लैंड आफ्टर लेवलिंग। सपोज करो आपने कोई जमीन बेची तो आप बोलते हो लैंड एंड बिल्डिंग जीएसटी से बाहर है। अब लैंड एंड बिल्डिंग पे भी अगर हम आते हैं तो इस पे भी एक बात थी, देखो लैंड का मतलब क्या होता है, खाली जमीन, उसको हम लैंड बोलते हैं। बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, जो बिल्डिंग बन गई जिसमें लोग रह रहे हैं। तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जीएसटी से बाहर है, लेकिन अब पोजीशन क्या है कि एक जमीन है जिसपे आधी अधूरी बिल्डिंग बनी हुई है, अंडर कंस्ट्रक्शन वाला केस चल रहा है। कंप्लीट कंस्ट्रक्टेड कब मानते हैं, जब होते हैं स्टेट गवर्नमेंट एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती है कि हाँ भैया अब ये बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसी के बाद हम उसको कंप्लीट मानते हैं जब वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। अभी अधूरी बिल्डिंग है ना, तो वो जमीन है, लैंड है, ना ही वो बिल्डिंग है क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्टेड है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में कोई भी चीज बिक रही है, फ्लैट बिक रहा है, कोई दुकान बिक रही है, तो उस पर जीएसटी लगेगा, जितना भी पैसा मिल गया उस पर जीएसटी लगेगा। सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्टेड यूनिट तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, और सेल ऑफ कंप्लीटेड यूनिट नेगेटिव लिस्ट में आता है, उसको हम सप्लाई नहीं मानते, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बोला, अगर आप कोई जमीन बेच रहे हो, अगर आप कोई जमीन बेच रहे हो, ठीक है, तो जीएसटी से बाहर है। अब इन्होंने क्या लिखा, क्लेरिफिकेशन फालतू की है, कोई ज्यादा काम के नहीं है। अब इन्होंने क्या बोला कि आप जमीन कैसे बेच रहे हो, जमीन पहले उबड़ खाबड़ थी, आपने उसकी लेवलिंग करा दी, उसमें पाइपलाइन खुदवा दी, एक लाइट का कनेक्शन लगवा दिया, बिजली का कनेक्शन, लाइट और बिजली तो एक ही हुई, लाइट का कनेक्शन लगवा दिया, पानी का कनेक्शन लगवा दिया, ये सब कर दिया आपने, बिल्कुल लैंड को सीधा कर दिया आपने, फिर बेच रहे हो, तो कह रहे हैं भाई क्या हो गया इससे, जमीन तो जमीन होती है, अब तूने चाहे उसमें लाइट का कनेक्शन लगवा दिया और पानी का कनेक्शन लगवा दिया तो भी क्या हुआ, वो एग्जेम्प्ट ही रहेगी। हाँ, अब आप कह रहे हो कि भाई गड्ढा खुदवाने में थोड़ा, जो भी गड्ढे खुदवाने के लिए हमने जेसीबी बुलवाई उस पर जीएसटी लगा, तो लग गया होगा उस पर जीएसटी लगेगा, पाइपलाइन खुदवाने में जीएसटी लगा, या कुछ भी आपने काम करवाया उस पर जीएसटी लगा होगा, वो बात अलग है, पर जो जमीन आपने बेची उस पर तो जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। अभी कुछ नए सर्कुलर आए, नए सर्कुलर क्या बोलते हैं ध्यान से देखना। सर्कुलर नंबर 10, क्लैरिफिकेशन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स हेल्ड इन सब्सिडियरी कंपनी बाय द होल्डिंग कंपनी, क्या बोलता है कि देखो जी एक होल्डिंग कंपनी है, उसके पास उसने सब्सिडियरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, शेयर है, ठीक है, तो जो उसने शेयर होल्ड कर रखे हैं तो क्या उस पर जीएसटी लगना चाहिए? आंसर इज नो, क्योंकि शेयर एंड सिक्योरिटीज जीएसटी के बाहर है। अब ये सर्कुलर आया ही क्यों फालतू सा, ये अमेंडमेंट का जो मेरा लेक्चर होगा, डेढ़ घंटे का लेक्चर है, उसको देखेंगे आप, उससे क्लियर हो जाएगा। पर प्राइमा फेसी अगर ये सर्कुलर नहीं भी आता और मैं आपसे सवाल पूछता तो आप ना ही बोलते, कुछ नहीं है। तो अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी में कोई शेयर होल्ड कर रखे हैं उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। अगला सवाल ये आता है, क्लेरिफिकेशन वेदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इन हिज पर्सनल कैपेसिटी सच एज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू द कंपनी और बॉडी का ऑपरेट, भैया ये आरसीएम, इसमें सप्लाई और आरसीएम दोनों इन्वॉल्व है, तो जब मैं आरसीएम का रिविजन लूंगा ना तब आपको समझाऊंगा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि पता नहीं कैसा सर्कुलर निकाला है, फ्यूचर में इसका भी क्लेरिफिकेशन आएगा, ये अपने आप में अधूरा है, तो क्या है एक्चुअल में वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्या होना चाहिए वो सब मैं आपको बताऊंगा, पर ये आरसीएम चैप्टर के अंदर चर्चा होगी, क्योंकि इसके अंदर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट पहले समझाना पड़ेगा, फिर हम इस पॉइंट पे आएंगे। अगला पॉइंट देखो, क्लेरिफिकेशन वेदर सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस इन सिनेमा हॉल इज टैक्सेबल एज रेस्टोरेंट सर्विसेज, इसका मतलब क्या है, सुनिएगा मेरी बात। आप जब मूवी का टिकट बुक कराते हैं, अब टिकट के साथ ऑप्शन आता है कि आपको ये पॉपकॉर्न लेना है कि नहीं लेना, क्योंकि हम स्किप कर देते हैं। अगर आप टिकट के साथ पॉपकॉर्न भी ले लेते हो तो वो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट मान लिया जाएगा, और जो टिकट की रेट है
उसी रेट पे पॉपकॉर्न को भी जीएसटी लग जाएगा। और अगर आप टिकट के साथ नहीं लेते हो, अंदर जाके समोसा पॉपकॉर्न लेते हो, तो नॉर्मल इंडिपेंडेंट सप्लाई माना जाएगा, फिर ये कंपोजिट सप्लाई नहीं माना जाएगा, और नॉर्मल जो टैक्स लगेगा वही लगेगा, बस नॉर्मल जो टैक्स लगेगा वही लगेगा, यही बात लिखी हुई। तो अगर टिकट कराते टाइम ही बुक करा लिया तो कंपोजिट सप्लाई हो गया। तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या थी? मूवी टिकट पे जो जीएसटी की रेट है उसी से पॉपकॉर्न और समोसा भी हो जाएगा। अलग से लोगे तो इंडिपेंडेंट सप्लाई, नो कंपोजिट सप्लाई, बात खत्म, सेपरेट ट्रांजेक्शन। ठीक है, आगे देखो, क्लैरिफिकेशन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ पर्सनल गारंटी एंड कॉर्पोरेट गारंटी इन जीएसटी। चलिए जी, इस पे चर्चा करते हैं। पर्सनल गारंटी एंड कॉर्पोरेट गारंटी इस बुक में कंप्लीट अमेंडमेंट इन्वॉल्व है, बस एक नया आरसीएम ऑफ गुड्स वो इंस्टीट्यूट ने नया ला दिया। अब भैया जब हमने ये बुक बनाई तब हमने सारे अमेंडमेंट डाल दिए, टेरिटरी अपडेट तो बहुत बाद में आई इंस्टीट्यूट की। आरसीएम ऑफ गुड्स पहले भी था, तो ऐसा थोड़ी कि जीएसटी काउंसिल ही पहली बार लाया हो आरसीएम ऑफ गुड्स, वो तो पहले भी था, पर इंस्टीट्यूट ने पहली बार लाया। तो कुछ भी नहीं है, एक पेज की लिस्ट है, तो वो हमारी बुक में नहीं है और किसी की बुक में भी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि सपने थोड़ी आ रहे थे कि इंस्टीट्यूट आरसीएम ऑफ गुड्स ले आएगा, कोई अमेंडमेंट थोड़ी है। तो उसका मैं पीडीएफ आपको जब आरसीएम का रिविजन लूंगा तब मैं डाल दूंगा, बाकी इस बुक में सब कवर्ड है। ठीक है, बाकी सब कुछ कवर है, टोटल अमेंडमेंट एक एक। क्लैरिफिकेशन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ पर्सनल गारंटी एंड कॉर्पोरेट गारंटी इन जीएसटी। अब ये क्या बोलता है, पर्सनल गारंटी एंड कॉर्पोरेट गारंटी, जैसे क्या होता है, जनरली क्या होता है, जैसे सपोज करो कोई भी इंसान लोन लेता है ना, बैंक होता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी होता है जो लोन देता है वो गारंटी मांगता है कि भाई गारंटर लाओ। अब प्रैक्टिकली क्या होता है, जैसे सपोज करो, इनफैक्ट अगर गवर्नमेंट को, जैसे इंडियन ऑयल एक कंपनी है, दिल्ली मेट्रो है, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, इनको भी अगर लोन लेना होता है, जैसे दिल्ली मेट्रो को जापान से लोन लेना हुआ, तो उसकी गारंटी भारत सरकार देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। 10,000 करोड़ रुपीज का लोन लेना हुआ दिल्ली मेट्रो को, तो उसकी गारंटी कौन देगा? उसकी गारंटी देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और गारंटी देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लेती है। मार्केट में ये प्रैक्टिस है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जब लोन लेती है जो गारंटर होता है ना, वो गारंटी तब देता है जब उसको कुछ रेवेन्यू बेनिफिट हो, कोई फ्री में गारंटी क्यों देगा। ठीक है, अब क्या हो रहा था कि जैसे मान के चलो एक कंपनी है, उसको लोन लेना हो और डायरेक्टर गारंटी दे रहा है, कौन सी गारंटी दे रहा है? पर्सनल गारंटी दे रहा है। पर्सनल गारंटी मतलब अगर एक कंपनी वाला पैसा ना चुकाए तो मेरी गाड़ी ले जाना, मेरे कपड़े ले जाना, मेरा घर ले जाना, पर्सनल गारंटी दे रहा है। ठीक है, फ्री में दे रहा है विदाउट कंसिडरेशन। तो जीएसटी काउंसिल कह रहा है कि भैया ये फ्री में कैसे दे रहा है, डायरेक्टर और कंपनी तो रिलेटेड पर्सन हो गए, और फ्री में अगर दे रहा है इसका मतलब ये माना जाएगा कि रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन दे रहा है, तो शेड्यूल वन पैरा टू के प्रोविजन जीएसटी डिपार्टमेंट के घूमने लग गए। डिपार्टमेंट वाले क्या करने लगे, शेड्यूल वन पैरा टू, फ्री में कैसे दे रहा है डायरेक्टर कंपनी को, रिलेटेड पर्सन है इसलिए दे रहा है। डिपार्टमेंट कह रहा है भैया इसका वैल्यू निकालो वैल्यूएशन के रूल नंबर 28 के हिसाब से, लेकिन आरबीआई का एक सर्कुलर है और उस सर्कुलर के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, आरबीआई का एक सर्कुलर है और उस सर्कुलर के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी डायरेक्टर अगर कंपनी को पर्सनल गारंटी दे रहा है तो उसके बदले कंपनी पैसा नहीं देगी डायरेक्टर को, ऐसा आरबीआई ने सर्कुलर निकाल रखा है। क्यों निकाल रखा है? क्योंकि देखो आरबीआई को लगता है कि भाई हम लोन दे रहे हैं कंपनी को, पता चला कंपनी की गुडविल ही खराब है, कंपनी की मार्केट वैल्यू नहीं है, कंपनी इतनी कैपेबल ही नहीं है, पर गारंटर मिल गया इस कारण से बैंक को लोन देना पड़ा। तो भाई आरबीआई चाहता था कि कोई पैसों के इन्फ्लुएंस में आके गारंटी ना देते, जिससे बैंकों को नुकसान ना हो, कोई भाई पैसों के इन्फ्लुएंस में आके गारंटी दे रहा है इस चक्कर में, तो आरबीआई ने सर्कुलर निकाल रखा है कि कोई भी चीज पैसे नहीं देना अलाउड नहीं है, अपनी इच्छा से डायरेक्टर देना चाह रहा है तो ठीक है, पर कंपनी डायरेक्टर को बोल रही है कि नहीं नहीं तू तो पैसा ले ले हमसे, पर गारंटी दे दे, लोन लेना बहुत जरूरी है। तो आरबीआई को डर है कि भैया कहीं पैसा नुकसान ना हो जाए, तो आरबीआई ने सर्कुलर निकाल रखा है कि कोई भी डायरेक्टर को पैसा नहीं देगी कंपनी। तो सवाल ये आता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट वैल्यूएशन के हिसाब से वैल्यू निकाल रहा है इसकी रूल 28 के हिसाब से, तो इस सर्कुलर में ये दे रखा है कि जब आरबीआई ने कह दिया कि इसकी वैल्यू जीरो है, इस पे कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो जीएसटी डिपार्टमेंट वैल्यू कैसे निकाल रहा है? जब वैल्यू जीरो है तो वैल्यू कैसे निकाल रहा है जीएसटी डिपार्टमेंट? तो इस तरह की जो गारंटी जो फ्री में दे रहा है डायरेक्टर कंपनी के लिए, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ही जीरो मानी जाएगी, चाहे आप रूल 28 लगा लो तो भी इसकी वैल्यू जीरो मानी जाएगी, क्योंकि ऐसा आरबीआई ने कह दिया, ऐसा आरबीआई ने कह दिया।
ठीक है, समझ में आया आप? क्लियर है? बाकी इसके अमेंडमेंट में काफी डिटेल में चर्चा होगी। टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी। कॉर्पोरेट गारंटी क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। सपोज करो अभी डायरेक्टर क्या कर रहा है, कॉर्पोरेट गारंटी दे रहा है, पर्सनल गारंटी नहीं दे रहा, कॉर्पोरेट गारंटी दे रहा है, ठीक है? मतलब डायरेक्टर नहीं, सॉरी, मतलब कोई इंसान, कोई एक कंपनी लोन ले रही है तो दूसरी कंपनी क्या कर रही है, गारंटी दे रही है उसकी। एक कंपनी लोन ले रही है, दूसरी कंपनी गारंटी दे रही है, कॉर्पोरेट गारंटी। अब पहले वाला केस तो क्या था, डायरेक्टर पर्सनल गारंटी दे रहा है, अभी क्या है, एक कंपनी लोन ले रही है, दूसरी कंपनी गारंटी दे रही है, कॉर्पोरेट गारंटी। तो ये तो होता है मार्केट में, और कोई भी फ्री में नहीं देता, पैसे लगते हैं इसके, ठीक है? तो अगर इन केस होल्डिंग कंपनी, जैसे सब्सिडरी कंपनी लोन ले रही है और होल्डिंग कंपनी उसकी गारंटी दे रही है, तो इसलिए तो दे रही है, फ्री में दे रही है, क्योंकि रिलेटेड हो गए होल्डिंग सब्सिडी। तो भैया जीएसटी डिपार्टमेंट कह रहा है अब तो आरबीआई का कोई सर्कुलर नहीं है ऐसा, वो तो पर्सनल गारंटी के केस में ही था, डायरेक्टर वाले केस में, अब तो नहीं है आरबीआई का कोई सर्कुलर। तो अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी के लिए क्या कर रही है, गारंटी दे रही है फ्री में, तो जीएसटी डिपार्टमेंट बोलेगा अब हम इसका वैल्यू एज पर रूल 28 निकालेंगे, एज पर वैल्यूएशन चैप्टर, हम इसका रूल रूल 28 के हिसाब से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये लिखा हुआ है इसके, ये लिखा हुआ है सर, समझ में आया आपको सर्कुलर? ये नया क्लैरिफिकेशन समझ में आया, ठीक है? आगे देखो, लिक्विडिटी डैमेज वाला भी क्लियर क्लियर हुआ आपको। अब हम आते हैं क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग कॉस्ट पेट्रोलियम। कॉस्ट पेट्रोलियम का क्या सर्कुलर है, ध्यान से देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, आईटीसी में एक क्वेश्चन है इसका, जिससे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है? कॉस्ट पेट्रोलियम में क्या लिखा हुआ है, जैसे मान के चलो कि एग्जाम्पल मैं वही लेता हूँ जो क्लास में लिया था, कि रिलायंस है, रिलायंस को समंदर के नीचे से तेल निकालना आता है, और समंदर किसका, समंदर सरकार का, समंदर है सरकार का पानी, और रिलायंस को समंदर के नीचे से तेल निकालना आता है, तो आपको पता है कस्टम में आप पढ़ोगे 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक हम तेल वगैरह निकाल सकते हैं, वैसे इंडिया 200 नॉटिकल माइल तक हम तेल निकाल सकते हैं, वैसे इंडिया 12 नॉटिकल माइल तक होता है, लेकिन तेल निकालने की पावर हमारे पास 200 नॉटिकल माइल तक होती है, ठीक है? अब रिलायंस क्या कर रहा है, तेल निकाल रहा है, गवर्नमेंट और रिलायंस, गवर्नमेंट ने रिलायंस को क्या कर दिया, ऑथराइज कर दिया, लाइसेंस दे दिया कि भैया आप निकालो तेल, कोई दिक्कत की बात नहीं। खूब खर्चा होता है इस प्रोसेस में। अब सपोज करो तेल निकालने के बाद जितना भी रेवेन्यू आया, तो गवर्नमेंट सबसे पहले रिलायंस को क्या बोलेगी कि अपने रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट लेस कर लो, सबसे रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट लेस कर लो। अब जितना भी प्रॉफिट आया, प्रॉफिट पेट्रोलियम, उस प्रॉफिट को आप और हम बांट लेते हैं, जो भी टर्म्स हमारे बीच में सेट रहे होंगे। तो अब ये इस प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, कि भैया ये कोई वैसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में कोई, ये तो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, कोई भी किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा है, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं कोई किसी के लिए काम कर रहा है, कोई सप्लायर है, कोई रिसीवर, ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी प्रॉफिट है उसको दोनों बांट रहे हैं, उस पर कोई जीएसटी नहीं है, बात खत्म, ठीक है? बस इतनी सी बात है, ठीक है? तो कॉस्ट पेट्रोलियम इज नॉट टैक्सेबल। पहले जितना भी रेवेन्यू आया उसमें से कॉस्ट हटा लो, जो भी बच गया प्रॉफिट उसको बांट रहे हैं, उस कोई जीएसटी नहीं, ठीक है जी? क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग मोल्स एंड डाइज। मोल्स एंड डाइज का क्लैरिफिकेशन है, मान के चलो कि मैं गाड़ी बनाता हूँ, AKG व्हील्स मेरी कार की कंपनी है, मैं इंजन किसी से बनवाता हूँ, इंजन किससे बनवाता हूँ, सोहम से मैं क्या बनवाता हूँ, इंजन बनवाता हूँ, सोहम क्या करती है, इंजन बनाती है हमारे। अब मैं सारे पार्ट सोहम को दे देता हूँ इंजन असेंबल करने के लिए, साथ में मैं क्या करता हूँ, मोल्स एंड डाइस, टूल्स, नट्स वगैरह ये भी दे देता हूँ। मैंने कहा हाँ भाई सोहम, इनको रख लो, लगाते रहना इंजन में। अब सपोज करो थोड़े से बच गए सोहम के पास, मैंने सोहम को दे दिए, फ्री में दिए होंगे ना भाई, मेरे लिए काम कर रही है, मेरे को लगा के वापस दे देगी। अब थोड़े से टूल्स बच गए, अब सरकार कह रही है कि इस पर जीएसटी लगाओ। मैं कह रहा हूँ क्यों लगाऊं जीएसटी, सोहम कौन सी मेरी रिलेटेड पर्सन है, मेरी रिलेटेड पर्सन है क्या ये, अनरिलेटेड पर्सन है मेरी, मैं इसको फ्री में कुछ भी दूं, तुम कैसे लगा रहे हो जीएसटी? तो क्लैरिफिकेशन आया कि भाई मोल्स एंड डाइज ओन्ड बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर मतलब मैं, AKG व्हील्स, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, इसको दिए कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को, क्या भैया आप बनाओ, तो वो कौन सा मेरा रिलेटेड पर्सन है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग रीट्रीटिंग ऑफ टायर, फालतू सर्कुलर है कि अगर आप किसी पुराने टायर पे कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो, टायर पे कोई ट्रीटमेंट करना ही सप्लाई ऑफ सर्विस, टायर ही बेच देना इज सप्लाई ऑफ गुड्स,
तो अगर आप कोई टायर पे कोई काम करके उस टायर को ही बेच रहे हो, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। और खाली टायर पे कोई काम कर रहे हो बस नॉर्मल, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग सर्विसिंग ऑफ कार, आप गाड़ी की सर्विस करवाते हो, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस ओनली। कार में कोई छोटा मोटा पार्ट खराब हो गया, गाड़ी एक्टिवा जो भी, उसका छोटा मोटा कोई पार्ट खराब हो गया नॉर्मल, तो उस दैट इज लाइक ओके ओनली। अब उसको आप एक ही बिल बनाया, जैसे सपोज करो 1000 रुपए सर्विस के लगते हैं, 200 रुपए का 100 रुपए का कोई पार्ट खराब हो गया जो कि होता रहता है, एक ही बिल बनाया, तो उसको कंपोजिट सप्लाई में सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा। छोटा मोटा अगर कुछ चेंज भी हो गया, पर कोई बड़ा पार्ट चेंज हो गया उसका अलग से बिल मिला आपको, तो फिर वो एक सेपरेट ट्रांजेक्शन माना जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द केस टू केस। तो नीचे इन्होंने भी यही लाइन लिखी कि डिपेंड करता है केस टू केस, केस टू केस डिपेंड करता है। प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट टीनेंसी राइट वाला सर्कुलर मैंने आपको बताई दिया। पहला सर्कुलर क्या बोलता है, सम इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट क्लैरिफिकेशन, ये ऐसा बोलता है, ठीक है सुनना मेरी बात। जैसे मान के चलो मार्केट में स्कीम होती है एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री, 2000 रुपए की एक शर्ट थी और वो बंदा कह रहा है एक के साथ एक फ्री, मतलब 2000 में 2, तो गवर्नमेंट पता है क्या कह रही है, जैसे लेट्स सपोज 2000 रुपए में 2 शर्ट आ गई, और एक शर्ट की कॉस्ट थी मान के चलो 500 रुपए, एक शर्ट की 500 रुपए कॉस्ट थी, तो 2 शर्ट की 1000 रुपए कॉस्ट हो गई, और 2000 रुपीज में वो शर्ट बेच रहा है ये बोल के एक के साथ एक फ्री। तो गवर्नमेंट कह रही है भाई एक शर्ट तो तू फ्री में दे रहा है, तो फ्री में दे रहा है तो एक शर्ट की ITC मत ले, फिर 500 रुपए की ITC ले चल, ठीक है, तो एक शर्ट तो फ्री में दे रहा है तो उस पर कोई GST भी नहीं आया तो ITC मत ले। ये कह रहा है अरे कोई फ्री में नहीं दे रहा, ये मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जब मैं पैसों में दे रहा हूँ तो मेरे को ITC दोनों की दो, ये कोई फ्री के नहीं दे रहा मैं, मेरी स्कीम है मार्केटिंग स्कीम, समझते नहीं हो आप लोग, ठीक है। तो यही बात इस सर्कुलर में लिखी, यही बात इस सर्कुलर में लिखी, ठीक है। हमने सारे सर्कुलर सारे क्लैरिफिकेशन सब पढ़ डाले, अब हम आते हैं लास्ट शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 जिसको हम नेगेटिव लिस्ट बोलते हैं, जो ना तो गुड्स है ना सर्विस है, चाहे कितना ही सप्लाई के डेफिनेशन में आ रहा हो कुछ भी आ रहा हो, इसको सप्लाई ही नहीं माना। GST की बात तो छोड़ो, सप्लाई नहीं माना, देखो दो बातें होती है, एक तो होता है GST लेवी होना, सप्लाई होगा तो GST लेवी होगा, फिर एग्जम्पशन मिलना, तो सप्लाई होगा तो ही तो एग्जम्पशन मिलेगी, इनकम होगी तो ही तो डिडक्शन मिलेगी। ये बोल रहा है सप्लाई ही नहीं है, मतलब इनकम ही नहीं है, GST लेवी ही नहीं हो रहा है, ऐसे कौन कौन से केसेस हैं वो देख लेते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला केस नेगेटिव लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय को कोई पर्क्स वगैरह मिल रहे हैं, इंसेंटिव मिल रहा है, तो वो भी सैलरी का पार्ट माना जाएगा, गिफ्ट नहीं माना जाएगा। कोर्ट या ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट या अपनी कोई सर्विसेज देते हैं, इसके बदले पैसा चार्ज करते हैं, कोर्ट की फीस होती है, वो भी GST से बाहर एकदम। ट्रिब्यूनल यहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल नहीं आएगा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल नहीं मिल रहा, खाली ट्रिब्यूनल लिखा हुआ है, ठीक है। एमपी एमएलए अगर अपने कोई फंक्शन दे, एमपी एमएलए कोई सर्विस दे रहा है, तो वो भैया वो तुम्हारा काम है, उस पर कोई सप्लाई नहीं है, पर एमपी अपना होटल खोल के बैठा है तो फिर बात अलग है, उस पर तो लगेगा GST। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लेके बैठा है RBI का गवर्नर, उस पर भी कोई, उसको जो भी पैसा मिल रहा है उस पर कोई GST नहीं, कोई सप्लाई नहीं, ठीक है। कोई इंसान चल बसा, फ्यूनरल सर्विसेज, किसी के डिसीज हो गया मर गया बेचारा, उसका मॉर्चरी सर्विसेज, उसको एम्बुलेंस से लाना ले जाना, वो GST के बाहर, कम से कम मरे हुए पे तो GST मत लगाओ। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग GST से बाहर है, सब्जेक्ट टू पैरा 5B, मतलब अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोला था। एक्शनेबल क्लेम GST से बाहर है, लेकिन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को छोड़ के, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को छोड़ के, पहले लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग था, अब अमेंडमेंट में क्या आया, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। अब ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम कौन से, बैटिंग, कसिनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, इन पे GST ग्रेड लगाई 28%। अब मैं आपको बताऊं, इस पे भी ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण काफी अमेंडमेंट आए, ऑनलाइन गेमिंग के कारण काफी अमेंडमेंट आए, ऑनलाइन गेमिंग के कारण क्या अमेंडमेंट आए, GST डिपार्टमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने क्या करा, ऑनलाइन गेमिंग पे GST लगाना चाहा और ऑनलाइन गेमिंग को एक्शनेबल क्लेम में डाल दिया। अब बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, जो ऑनलाइन गेमिंग की ऐप खोल के बैठे हैं और इंडियंस यूज कर रहे हैं उनको। अब इन्होंने क्या करा, ऑनलाइन गेमिंग को एक्शनेबल क्लेम में डाल दिया। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है सप्लाई ऑफ गुड्स, तो इसका मतलब आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा है। अगर आप फॉरेन में कोई कंपनी है, उस बैठे बैठे आप एक्शनेबल क्लेम, आप फॉरेन में कोई कंपनी है, इंडिया में बैठ के ऑनलाइन गेमिंग की सर्विसेज ले रहे हो, हम मैं सर्विस बोल रहा हूँ लेकिन कहने के लिए सर्विस नहीं हुई ना, एक्शनेबल क्लेम में डाल दिया, एक्शनेबल क्लेम तो गुड्स में आते हैं, तो आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हो और उनको पेमेंट कर रहे हो, तो भाई देखा जाए तो गुड्स हो गए, तो क्योंकि एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन
गुड्स के हिसाब से टैक्सेबल क्लेम गुड्स में आने चाहिए, तो भाई या तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स में तो फिर कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए, ये तो कस्टम ड्यूटी अट्रैक्ट होनी चाहिए। समझ नहीं आ रहा था क्या करें इसका, ये काफी टाइम से डिस्कशन चल रहा था, ऐसा नहीं कि आज ही लेके आए, चर्चा में था कि करें तो कैसे करें, एक्शनेबल क्लेम में डाल लेंगे तो दिक्कत हो रही थी। फिर इन्होंने बोला कि देखो हम इसको एक्शनेबल क्लेम में डालेंगे, गुड्स ही मानेंगे, लेकिन कस्टम कस्टम बीच में नहीं आएगा इसमें, इसमें कस्टम बीच में नहीं आएगा, जीएसटी आएगा। सवाल ये आता है कि चलो ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग की सर्विस, ऑनलाइन गेमिंग सर्विस बार बार मैं बोल रहा हूँ लेकिन सर्विस है नहीं, देखा जाए तो एक्शनेबल क्लेम है, तो ऑनलाइन गेमिंग के लिए हम इंडिया में बैठे हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं, अब इस पर टैक्स कौन देगा? तो क्या आरसीएम में टैक्स लगेगा? तो पूरा इंडिया थोड़ी टैक्स देगा रजिस्ट्रेशन लगा के आरसीएम में। भाई आप लोग भी तो खेलते हो ऑनलाइन गेम, जो जमी जमी जो भी खेलते हो, जंगली ऐप जो भी चालू करते हो आप लोग, है ना? तो भैया ये कैसे पूरा लोग थोड़ी देंगे आरसीएम में टैक्स। तो फिर इन कंपनियों को बोला गया कि अपना एजेंट इंडिया में बैठाओ, अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में बैठाओ, वो रजिस्ट्रेशन लेगा। तो अब रजिस्ट्रेशन में भी अमेंडमेंट आए, आरसी में भी अमेंडमेंट, रिवर्स चार्ज वाले में भी आप देखोगे ना, फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज में भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी अमेंडमेंट है, तो इसके मल्टीपल इंप्लीकेशंस है। तो कहने के लिए बोल रहे हैं अरे इतने सारे अमेंडमेंट हैं, बट कुछ नहीं है, छोटे से ही हैं, कर लोगे ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, क्लैरिफिकेशन ज़्यादा है, जैसे अभी सप्लाई में आपने क्लैरिफिकेशन देखे, ठीक है जी, ये पढ़ लिया हमने, तो वो बाहर हो गया। फिर हमने क्या देखा आगे, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल, इंडिया के बाहर से इंडिया के बाहर सामान जा रहा है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, उस केस में हमने क्या बोला, इस पर भी कोई जीएसटी नहीं है। मैं इंडिया में बैठा हूँ, स्वाति भी इंडिया में बैठी है, स्वाति ने मुझे फोन किया, मैं जयपुर में हूँ, स्वाति दिल्ली में, स्वाति ने बोला कि आपका जो सामान चाइना में है ना उसको बैंकॉक पहुंचाना है, इंडिया के बाहर से इंडिया के बाहर ही सामान जा रहा है, कोई जीएसटी नहीं। लास्ट वाला क्या है, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। देखो ये क्या बोलता है, कोई भी सामान मैं इंपोर्ट करता हूँ ना, यूएस से सपोज करो सामान इंडिया आ रहा है, तो इंपोर्ट ड्यूटी कब लगती है, जब मैं सामान को घर लेके जाता हूँ, होम कंजम्पशन घर ले जाता हूँ, तो इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है मेरे। अभी सामान रस्ते में ही था, ठीक है, सामान किसने इंपोर्ट किया था इंडिया में, सपोज करो पूजा ने सामान इंपोर्ट किया था, सामान हाई सीज में है, अभी रस्ते में है। अब क्या होता है, पूजा क्या करेगी, पूजा के पास एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, वो जो डॉक्यूमेंट कुछ कागज होते हैं मान के चलो, वो कुछ कागज वो इंडियन पोर्ट पे ले जाके दिखाएगी, जिससे ये प्रूव होगा कि पूजा ही उन सामान की ओनर है। जब वो कागज दिखाएगी तो ये मान लिया जाएगा कि पूजा इन सामान की मालकिन है, ओनर है, और पूजा फिर कस्टम ड्यूटी पे करेगी तो सामान उसको घर ले जाने दे देते हैं। पर पूजा को लगा कि यार उसके पास पैसे देने के लिए है नहीं कस्टम ड्यूटी के लिए, पूजा ने सामान किसको दिया, मेरे को बेच दिया, बोले आप ले लो इस सामान, तो पूजा ने मेरे को जो सामान बेचाना उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अब वो डॉक्यूमेंट पूजा ने मेरे को दे दिया और मैं कस्टम डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा और वो डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा और फिर मैं क्या करूंगा, सामान छुड़वा के लाऊंगा, तो कस्टम डिपार्टमेंट क्या मेरे से लेगा, कस्टम ड्यूटी लेगा और कस्टम ड्यूटी के ऊपर जीएसटी भी लगता है। तो अगर इस ट्रांजेक्शन पर गवर्नमेंट जीएसटी लगा देती तो मेरे ऊपर डबल डबल जीएसटी लग जाता, तो मैं जो पूजा को पैसा दे रहा हूँ उस पर जीएसटी और उसी सामान पर मैं कस्टम ड्यूटी पे कर रहा हूँ और उस पर भी जीएसटी दूंगा, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बाहर रखा। सेम दूसरा केस क्या है, पूजा ने सामान इंपोर्ट तो कर लिया लेकिन वेयर हाउस में रख दिया, वेयर हाउस में सामान रखने में भी ड्यूटी नहीं लगती, वेयर हाउस से घर ले जाते हो तब ड्यूटी लगती है। अब वेयर हाउस में पड़ा हुआ था पूजा का सामान, पूजा ने मेरे को दे दिया, तो जितने में पूजा ने मेरे को दिया उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं वापस से कस्टम डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा, सामान छुड़वा के लाऊंगा, तो वो डबल डबल जीएसटी हो जाता, वो आप कस्टम में समझोगे और डिटेल में जाके, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका सप्लाई का रिविजन खत्म होता है, थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, प्लान था डेढ़ घंटे में खत्म कर दें लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा चला गया, क्योंकि काफ़ी सर्कुलर्स भी नए ऐड हो गए थे और ऑनलाइन गेमिंग वगैरह के बारे में बात करी, और जितनी जल्दी हो सकता था कराया और काफ़ी डिटेल में कराया। पसंद आया हो आपको वीडियो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा आपको, ठीक है। चलिए थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, मिलते हैं अगले रिविजन के साथ, थैंक यू सो मच।